गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का 8वां चैप्टर मिसबिल द आर्टर का। आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस हिंदी व्याख्या देखेंगे, जो किसके द्वारा लिखा गया है, गेविन मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है। तो आज प्यारे बच्चों इस चैप्टर की एक एक वर्ड की मीनिंग क्लियर करते हुए एकदम विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपकी एक ही क्लास में पूरा इस चैप्टर आपको क्लियर हो जाए। तो इस चैप्टर पे चलने से पहले आपको बता देते हैं कि आपका सिलेबस अभी तक कहाँ पहुंचा है। प्यारे बच्चे आपके सिलेबस में अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें, अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं, सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं, और आज की टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कहानी जान जाते हैं, कि इसकी समरी जान जाते हैं, कि इसकी कहानी क्या है। प्यारे बच्चों आपका, आप देख रहे होंगे चैप्टर का नाम है मिसबिल द आर्टर है। अब जो है मिसबिल एक नाम होता है, पहले चैप्टर का नाम समझ जाते हैं। मिसबिल एक नाम है, आर्टर मींस होता है उदबिलाव। उदबिलाव को जो है राइटर ने प्यार से नाम दिया हुआ है, मिसबिल नाम दिया हुआ है। अब ये आप कहोगे कि ये आर्टर क्या होता है, मींस उदबिलाव क्या होता है। उदबिलाव एक जो है पानी में रहने वाला जीव होता है, जो बड़ा एक्टिव होता है, और मछलियों को ये इसका आहार क्या होता है, मछलियां इसकी आहार होती हैं, बड़ा एक्टिव होता है, बड़ा इसके जो रोएं इसके होते हैं, बड़े मुलायम इसके रोएं होते हैं। तो यहाँ भारत में तो नहीं, लेकिन जो है विदेशों में जो है आर्टर को भी पाला जाता है। तो प्यारे बच्चे ये चैप्टर का नाम हो गया मिसबिल द आर्टर, मींस आर्टर एक जो है जानवर का नाम है, मींस इसे हिंदी में बोलते हैं उदबिलाव बोलते हैं, और मिसबिल इस जानवर का नाम दिया गया है, मींस केविन मैक्सवेल के द्वारा उसे प्यार से कहा गया है, उस आर्टर को प्यार से नाम दिया गया है, मिसबिल नाम दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर का नाम समझ में आ गया तो हम लोग आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो ये जो राइटर होते हैं ये रहने वाले होते हैं स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के रहने वाले होते हैं, और स्कॉटलैंड में जो है ये रहने वाले होते हैं कैम्यूस फेरना के रहने वाले होते हैं। स्कॉटलैंड में एक कैम्यूस फेरना के रहने वाले होते हैं, और एक बार ये यात्रा पे जाते हैं, इराक की यात्रा पे जाते हैं, और इराक पे यात्रा से जाने से पहले इनके पास एक कुत्ता पाले हुए थे, और कुत्ता मर गया था। जब एक कुत्ता इनका मर गया तो इराक की यात्रा पे जा रहे थे, तो अपने एक दोस्त से ऐसे ही कहे कि अब जो है कुत्ता नहीं पालेंगे, कोई आर्टर पालेंगे। तो उन्होंने जब बताया कि जो है अपने दोस्त से बताया कि हम आर्टर पालेंगे, तो उनके दोस्त ने जो है उन्हें इराक पे जा रहे थे, इराक में बहुत सारे आर्टर पाए जाते हैं, मीन्स उदबिलाव पाए जाते हैं। तो उसके जो उसके साथ में दोस्त थे, दोस्त ने जो है उन्हें गिफ्ट दे दिया, मीन्स उस आर्टर को जो है इराक से खरीद करके उन्हें वहीं पर दे दिया था। तो इस कहानी में, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि वो आर्टर को कैसे अब इराक से लाना है, इराक से कैसे जो है वह अपने जो है स्कॉटलैंड लेके आएंगे, अर्थात लंदन में लेके आते हैं पहले, फिर स्कॉटलैंड की बात है, वो पहले लंदन लेके आते हैं, किस तरह से इराक से वे लंदन लेके आएंगे। और इराक में जो पाया जाता था ये बसरा, एक प्लेस था, बसरा एक स्थान था, वहाँ से वहाँ पर ये इनकी संख्या, उदबिलाव की संख्या अधिक होती है। तो बसरा से कैसे जो है वे बसरा से कैसे लंदन लेके आएंगे, वो सारी चीज़ें गतिविधियाँ दिया गया है इस चैप्टर में, कैसे लाते हैं, बीच में क्या होता है, जब उदबिलाव लाते हैं, मीन्स जब लाते हैं तो कैसे उसकी कंडीशन होती है, कैसे उसे पालतू बना लेते हैं, और जब लंदन लेके जाते हैं तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है, उदबिलाव को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वह क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सारी चीजें जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। बस आपको जो मेन कहानी अभी बता दी हुई है, इस कहानी को दिमाग में बनाना है, और उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चल ही रहे हैं, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पे चल ही रहे हैं, तो आप बस उससे समझते चलिएगा, जो हम बता रहे होंगे आप उससे समझते चलिएगा, और एकदम किताब अपनी खोल लीजिएगा, किताब ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, रफ ले लीजिएगा, जो भी वर्ड मीनिंग आपको टफ लगे उस वर्ड मीनिंग को लिखते चलिएगा, क्योंकि जो है इसकी बहुत सारी वर्ड मीनिंग काफ़ी टफ वर्ड मीनिंग है। अगर आप
नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। चैप्टर थोड़ा सा टफ है, अगर आप ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन जरा सी भी लापरवाही की है तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वर्ड मीनिंग जो दिया हुआ है वो काफी टफ वर्ड मीनिंग का यूज किए हुए हैं कई जगह। तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, मुख्य बात वो है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले आप अपनी किताब खोल लें, किताब खोलेंगे तो आपको पहले दिया होगा बिफोर यू रीड का एक टॉपिक दिया होगा। तो अब हम लोग इस बिफोर यू रीड को पढ़ते हैं, देखते हैं आपका बिफोर यू रीड में क्या दिया हुआ है। गेविन मैक्सवेल लिव्स, गेविन मैक्सवेल आपको पता है इसके लेखक हैं, गेविन मैक्सवेल लिव्स मींस गेविन मैक्सवेल रहते थे इन अ कॉटेज मींस कुटिया में, कॉटेज मींस होता है कुटिया, कुटिया मींस झोपड़ी, एक झोपड़ी में रहते थे मींस एक कुटिया में रहते थे इन कैम्यूसफेरना, कैम्यूसफेरना के इन दी वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड, हाईलैंड मींस होता है उच्च भूमि या पर्वतीय क्षेत्र, मींस स्कॉटलैंड के पश्चिमी उच्च भूमि क्षेत्र में वे रहते थे। मींस गेविन मैक्सवेल कहाँ रहते थे, गेविन मैक्सवेल स्कॉटलैंड के पश्चिमी में उच्च पश्चिमी उच्च भूमि में कैम्यूसफेरना में एक कुटिया में रहते हैं। लिव्स मींस दिया हुआ है ना, लिव्स मींस रहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, तो गेविन मैक्सवेल लिव्स, गेविन मैक्सवेल रहते हैं इन अ कॉटेज मींस एक कुटिया में इन कैम्यूसफेरना, कैम्यूसफेरना के इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के पश्चिमी उच्च भूमि में अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में, पश्चिमी पर्वतीय स्कॉटलैंड के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों में कैम्यूसफेरना की एक कुटिया में गेविन मैक्सवेल क्या करते हैं, रहते हैं। आगे चलते हैं, व्हेन ही इज अ डॉग जॉनी, उनके कुत्ते का नाम क्या है, जॉनी, गेविन मैक्सवेल के कुत्ते का नाम क्या है, जॉनी। व्हेन ही इज अ डॉग जॉनी डाइड, जब उनका कुत्ता जॉनी मर गया, मैक्सवेल वाज टू सैड, मैक्सवेल इतना दुखी हो गए, टू सैड, टू मींस निगेटिव चला जाएगा, टू का प्रयोग किया गया है, टू का अगर एक बार टी डबल ओ टू का प्रयोग किया गया हो, बीच में कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो और फिर उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो, तो इस टू का अर्थ होता है निगेटिव चीज। तो क्या दिया हुआ है, मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन, मींस मैक्सवेल इतना दुखी थे कि वह कुत्ते को दोबारा पालना नहीं चाहते थे, मीन्स इनके जो कुत्ते की डेथ हो गई थी, जो मृत हो गई थी, उससे यह इतना दुखी थे कि वह दोबारा कुत्ते को पालना नहीं चाहते थे। बट लाइफ विदाउट अ पेट, लेकिन जीवन बिना एक पालतू के, अब अगर आपने पालतू जानवर कोई पाल लिया हुआ है तो आपकी आदत बन जाएगी, बिना पालतू जानवर के आप रह ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं आदतिया एकदम ढंग से बनानी चाहिए, ऐसा नहीं कि आदतिया को खराब बना ले और जिंदगी भर उसका पीछा ना छोड़ पाए, तो वही बात है, हालांकि ये तो ठीक है ठाक आदत है। बट लाइफ विदाउट अ पेट, लेकिन जीवन बिना एक पालतू के, वाज लोनली, उनके जीवन कैसी थी, एकदम एकांत वीरान जीवन हो गया था। लोनली मीन्स होता है एकांत वीरान, मीन्स उनका जीवन अकेलापन हो गया था, उनके जीवन में अकेलापन आ गया था, बिना एक पालतू जानवर के उनके जीवन में अकेलापन आ गया था। रीड मींस पढ़ो, व्हाट हैपेंड देन, तब क्या घटित हुआ, इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स, मैक्सवेल के स्वयं के शब्दों में, मींस मैक्सवेल के स्वयं के शब्दों में सुनो, मींस पढ़ो क्या घटित हुआ, मींस कहानी क्या हुई, उसके बाद आप चैप्टर पे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चे ये हो गया बिफोर यू रीड का सेक्शन हो गया। अब बिफोर यू रीड में हमने आपको एक एक करके वर्ड मीनिंग करके बता दिया कि आपका इसमें क्या दिया हुआ था। अब उसके बाद आपको दिया होगा, बिफोर यू रीड के बाद आपको एक्टिविटी दिया होगा, एक्टिविटी में आपको कुछ नहीं करने है, एक्टिविटी आपको नहीं पढ़ने है, यहाँ पर चैप्टर आपको नहीं दिया है, यहाँ पर एक्टिविटी का सेक्शन था। अब उसके बाद जो है एक्टिविटी के बाद यहाँ पर नीचे आप इराक और लंदन में डिफरेंस देखेंगे, अगर आपको पढ़ने का मन हो तो आप पढ़ लेना, लेकिन चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से नहीं हुई है, इराक और लंदन के बीच में डिफरेंस यहाँ दिखाए गए हैं, फिर आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। पहला जो है इसका पैरा है और पहले पैरे की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, बस आपको एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है, अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तक जब तक हम पढ़ाए ना तो आपका ध्यान हमारे तक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ वहाँ बगले पड़ोसी ताक झाक नहीं करना चाहिए आपको। तो चलो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, ध्यान देना,
अर्ली मीन्स होता है प्रारंभ में, इन द न्यू ईयर नए वर्ष के प्रारंभ में, ऑफ 1956 के नए वर्ष के प्रारंभ में, आई ट्रेवल्ड मैंने यात्रा की टू साउदर्न मीन्स दक्षिणी इराक मीन्स इराकी, मैंने 1956 के नए वर्ष के प्रारंभ में दक्षिण इराक की यात्रा किया, तो वही दिया है अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मीन्स 1956 के प्रारंभ में आई ट्रेवल्ड मैंने यात्रा किया टू साउदर्न इराक मीन्स दक्षिणी इराक की मैंने यात्रा किया। आप देखो प्यारे बच्चे ये रहने वाले हैं स्कॉटलैंड की, यात्रा कहां जा रहे हैं, इराक की यात्रा पे जा रहे हैं। आगे देखो, बाई देन तब तक इट हैड क्रास्ड माई माइंड, क्रास्ड माइंड मीन्स होता है दिमाग बना लेना मीन्स मन बनाना, क्रास्ड माइंड मीन्स होता है मन बनाना। अब यहां पर दिया है बाई देन इट हैड क्रास्ड माई माइंड, मैंने अपने मन को बना लिया था दैट आई शुड लाइक, मैं पसंद करूंगा टू कीप एन ऑटर मीन्स एक उदबिलाव को पसंद करना, इंस्टीड ऑफ अ डॉग मीन्स एक कुत्ते पालने के बजाय, इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, एक कुत्ता पालने के बजाय मैं क्या पालना चाहूंगा, एक ऑटर पालना चाहूंगा मीन्स एक उदबिलाव पालना चाहूंगा। तब तक इन्होंने अपने मन में बना चुके थे मीन्स यह निश्चय कर चुके थे। तो फिर से देखो, बाई देन तब तक इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में यह चीज बन चुकी थी दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर, मैं एक जो है उदबिलाव रखना पसंद करूंगा, इंस्टीड ऑफ अ डॉग मीन्स एक कुत्ते के बजाय, मीन्स इनके कुत्ते की डेथ के बाद इन्हें इतना दुख हुआ कि इन्होंने कहा कि अब हम कोनो कुत्ता नहीं पालेंगे, अब हम ऑटर पालेंगे मीन्स उदबिलाव पालेंगे। एंड दैट कैमस फिरना, और वह स्थान कैमस फिरना, जो इनका स्थान था कैमस फिरना, वह स्थान रिंग्ड बाई वाटर मीन्स घिरा हुआ है किससे, रिंग मीन्स होता है घिरा हुआ होना, रिंग्ड बाई वाटर मीन्स पानी से घिरा हुआ है, अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो मीन्स होता है बहुत नजदीक, पानी से घिरा हुआ बहुत नजदीक क्षेत्र है, फ्रॉम इट्स डोर मीन्स इसके दरवाजे से, मीन्स कैमस फेरना जो इनका स्थान है जहां पर ये रहते हैं, वह स्थान, अब उस स्थान की विशेषता बताई जा रही है, वह स्थान रिंग मीन्स घिरा हुआ है, बाई वाटर पानी से घिरा हुआ है, अ स्टोन थ्रो मीन्स एक पत्थर की फेंकने की दूरी अर्थात बहुत नजदीक, बहुत नजदीक में पानी से घिरा हुआ है, फ्रॉम इट्स डोर मीन्स इसके दरवाजे से, मीन्स जहां पर इनका कैमस फेरना में घर है उसके दरवाजे से थोड़े से मीन्स एकदम नजदीक ही पानी से घिरा हुआ है, would be an imminently, और यह अत्यधिक, imminently means होता है अत्यधिक, imminently suitable means उपयुक्त spot means स्थान होगा for this experiment means इस प्रयोग के लिए, और इस प्रयोग के लिए यह अत्यधिक उपयुक्त स्थान होगा। अत्यधिक उपयुक्त स्थान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पता है कि यहाँ इनके घर के चारों तरफ पानी है, और आपको बताए हुए हैं ऑटर कहाँ पर रहना पसंद करता है, पानी में रहना पसंद करता है, तो अब जब घर के चारों तरफ पानी है तो मीन्स ये जो है ऑटर को पालना उपयुक्त होगा, इसीलिए कह रहे हैं would be an imminently, यह अत्यधिक, imminently means होता है अत्यधिक, suitable means उपयुक्त होगा, spot means स्थान, for this experiment means इस प्रयोग के लिए, इस प्रयोग के लिए यह अत्यधिक उपयुक्त स्थान होगा। तो प्यारे बच्चे ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। थोड़ा सा तबीयत खराब है लेकिन फिर भी आपकी क्लास लेने रहे हैं, कई दिन से आपकी क्लास इसीलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब थी, खांसी वासी की समस्या थी, तो इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं हम लोग। व्हेन आई कैजुअली मेंशनड, कैजुअली मीन्स होता है यूं ही या सामान्य रूप से, यूं ही या सामान्य रूप से, कैजुअली मीन्स होता है यूं ही या सामान्य रूप से, व्हेन आई कैजुअली जब मैं सामान्य रूप से, मेंशनड मीन्स चर्चा करना, जब मैंने सामान्य रूप से चर्चा किया, दिस मीन्स इसके बारे में, टू अ फ्रेंड मीन्स अपने एक दोस्त से, जब मैंने इसके बारे में अपने एक दोस्त से चर्चा किया, he as casually replied, उसने भी सामान्य रूप से means यूं ही replied means उत्तर दिया, उसने यूं ही उत्तर दिया means उसने भी सामान्य रूप से उत्तर दिया, that I had better get one, कि मैं एक अच्छा पा सकता हूँ in the Tigris marshes, Tigris marshes में, Tigris के दलदल में, टिग्रिस के दलदल में मैं एक अच्छा पा सकता हूँ, क्या पा सकता हूँ, उदबिलाव ऑटर, वह कह रहा है कि मैं एक अच्छा ऑटर जो है टिग्रिस के दलदल में पा सकता हूँ,
टिग्रिस स्थान का नाम है, मार्सेस मींस होता है दलदल, तो टिग्रिस के मार्सेस में मींस टिग्रिस के दलदल में मैं एक अच्छा पा सकता हूं, अर्थात एक अच्छा उद्बिलाव पा सकता हूं, ऑटर पा सकता हूं। फार दियर, क्योंकि फार्मिस यहां क्योंकि होगा, फार क्योंकि दियर देवर वे वहां पर वर मिस थे, एज कॉमन मिस उतने सामान्य थे, एज मॉस्किटो जितने की मच्छर सामान होते हैं, जितने मच्छर सामान पाए जाते हैं वह उतने ही वहां पर सामान्य थे, अर्थात उनकी संख्या काफी अधिक होगी, जैसे मच्छर व दना दन कुल मिलते रहते हैं ना, पति मच्छर देखोगे घरवा में मच्छर बहुत ही होते हैं ना हजार टो, वैसे वहां मच्छर की तरह का तरह था, ऑटर था मीन्स उदबुलाव मच्छर की तरह पाए जाते थे, मतलब बहुत ही मच्छर पाए जाते, बहुत ही उदबुलाव पाए जाते थे, इसलिए टिग्रिस के मार्सेस से हम आराम से उसे ले सकते हैं इतने उदबुलाव, और सस्ता दामों में मिल जाएगा, महंगा ज्यादा नहीं मिलेगा, ये कौन बता रहा है, दोस्त उसका बता रहा है, ठीक है। एंड वेयर ऑफन टेम्ड, और वहां पर प्रायः पाला जाता था, टेमिस होता है पाला जाना, और वहां पर प्रायः पाला जाता था बाय द अरब्स, मींस किसके द्वारा, अरब के लोगों के द्वारा, अरब के लोगों के द्वारा वहां पर क्या किया जाता था, पाला जाता था। वी वर गोइंग टू बसरा, हम कहां के लिए जा रहे थे, बसरा के लिए जा रहे थे, टू द कॉन्सुलेट जनरल, कॉन्सुलेट मीन्स होता है वाणिज्य दूतावास, वाणिज्य दूतावास जनरल के पास जा रहे थे, टू कलेक्ट मीन्स लेने के लिए, इकट्ठा, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना मीन्स हो जाएगा लेने के लिए, हम लोग बसरा के लिए, बसरा में कॉन्सुलेट जनरल मीन्स वाणिज्य दूतावास के जनरल के पास जा रहे थे लेने के लिए। एंड आंसर आवर मेल, क्या लेने के लिए, मेल मेल लेने के लिए, एंड आंसर और उत्तर देने के लिए, आवर मेल फ्रॉम यूरोप, जो हमारी मेल आई हुई थी मीन्स हमारा जो मैसेज आया हुआ था, जो संदेश आया हुआ था मेल के माध्यम से, उसका उत्तर देने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे, मीन्स हम लोग बसरा कहाँ जा रहे थे, बसरा, हम लोग बसरा वाणिज्य दूतावास के जनरल के दफ्तर में अपनी यूरोप की डाक लेने और उसका उत्तर जाने देने के लिए क्या कर रहे थे, वहां पर जा रहे थे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, एट दी कंसुलेट जनरल, कंसुलेट जनरल मीन्स वाणिज्य दूतावास के जनरल के पास, वी फाउंड, हमने पाया, दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, हमने पाया कि मेरे दोस्त की मेल जो थी, मेल मीन्स होता है डाक, मेरे दोस्त की जो डाक थी वह आ गई थी, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरी नहीं आई थी, मीन्स राइटर की मेल नहीं आई थी, इनके साथ जो दोस्त जा रहा था उसकी मेल तो आ गई थी, उसकी डाक आ गई थी, ये दोनों लोग जा रहे थे, दोनों में जो इनके साथ जो दोस्त था उसकी तो मेल आ गई, लेकिन इनकी मेल नहीं आई हुई थी, वही दिए हुए हैं। हाँ, कह दूंगे, एट द कॉन्सुलेट जनरल मीन्स वाणिज्य दूतावास के जनरल में, वी फाउंड, हमने पाया, दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, कि मेरे दोस्त की मेल आ गई है, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरी मेल नहीं आई हुई है। अब आगे देखते हैं, इनकी मेल नहीं आई हुई है तो फिर क्या होता है, और प्यार बच्चों ये बात कब की हो रही है, 1956 की बात हो रही है, उस समय ऐसा नहीं था फोन था जो है फुनिया लें, दो दो मिनट में फोन करके पूछ ले मिलवा आई कि नहीं मिलाया, वहाँ पर पहले जो है 1956 में इतना फोन वान नहीं था, तो इसलिए लोग मेल के माध्यम से जो है बात करते थे, मीन्स डाक के माध्यम से बात किया करते थे, ठीक है। एक जो है मेल का इंतजार करने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, इतना फोन ओन नहीं था, आजकल तो 12 बजे रतिया तक, 2 बजे रतिया तक बिजी रहते हैं, और किससे बिजी रहते हैं खुद ही जानते हैं, आजकल के जो शैतान बच्चे हो गए ना, रतिया में 2-2 बजे तक, मम्मी पो कर रही होंगी बेटा पढ़ रहे हो, कहेंगे हाँ हाँ मम्मी पढ़ रहे हैं, और ये कौन सा पढ़ाई करते हैं, मोबाइल खोल करके व्हाट्सअप फेसबुक जो चैटिया रहे होते हैं ना, कौन सा पढ़ाई करते हैं खुद ही जानते होंगे, तो आजकल की तरफ नहीं बात थी, पहले अलग बात थी, 1956 की ये बात हो रही है, 1956 में फोन ऑन नहीं था। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, जब ये जो है इनका जो है संदेश नहीं मिला, इनका डाक नहीं मिला, इनके दोस्त का डाक मिल गया, तो देखते हैं क्या होगा। और ये लोग कहाँ गए हैं, इराक गए हैं, इराक में जो है बसरा गए हुए हैं। आगे आई केबल्ड, मैंने तार किया टू इंग्लैंड, कहाँ किया तार, इंग्लैंड, इंग्लैंड हमने तार किया। एंड व्हेन 3 डेज लेटर, और जब 3 दिन बाद नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी घटित नहीं हुआ, जब 3 दिन बाद कुछ भी घटित नहीं हुआ, अर्थात जो हमने केबल किया, जो हमने तार किया इंग्लैंड, और 3 दिनों तक कुछ नहीं हुआ, अर्थात 3 दिनों तक कोई रिप्लाई नहीं आया,
मीन्स ये सोच रहे थे हम तार कर दे रहे हैं तो मेरा हमारा जवाब आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई केबल टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड तार किया, एंड व्हेन थ्री डेज लेटर, और जब तीन दिन बाद नथिंग हैड हैपेंड, कुछ नहीं घटित हुआ, अर्थात कुछ नहीं हुआ। आई ट्राइड टू टेलीफोन, तब मैं फोन करने की क्या किया, कोशिश किया। ट्राइड मीन्स होता है प्रयास करना, टू टेलीफोन मीन्स फोन करने की। तब मैं फोन करने की क्या किया, कोशिश किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड, मीन्स फोन करने के लिए भी बुक किया जाता था 24 आवर्स इन एडवांस। एडवांस मीन्स होता है पहले 24 घंटा पहले ही बुक करना पड़ता था। अब सोचो, फोन करने के लिए 24 घंटा पहले बुक करना पड़ता था। पहले जो है 1956 में फोन करने के लिए क्या करना होता था, 24 घंटे पहले आपको बुक करना होता था, भैया हम यहाँ फोन करेंगे, हमको जरूरत है ऐसे ऐसा फोन करने की, तो आपको 24 घंटा पहले बुक कर दिए जाते थे। तब आपका नंबर कहीं आता था कि आप फोन आ सकते हैं, बतिया सकते हैं जहां आपको बतियाना है, ठीक है। ये 24 घंटे बाद ही होता था। तो वही है कि the call had to be booked, means फोन को बुक करना पड़ा 24 आवर्स इन एडवांस, मीन्स 24 घंटे पहले ही फोन करने के लिए बुक करना पड़ा। और had to का प्रयोग, जब कोई जो है काम आपको करना पड़ता है तो आप उस समय had to का प्रयोग करते हैं। आगे है, on the first day, पहले दिन, the line was out of order। out of order means होता है खराब होना। जो उसकी लाइन थी, जिसे आप नेटवर्क कहते हैं, जिसे आज कहते हैं नेटवर्क, जैसे कहते हैं ना मोबाइलिया का नेटवर्क वा नहीं आ रहा है, बतियाने को आपको दिक्कत हो रही है। अरे आपको बतियाने की कहाँ दिक्कत होती है, आप समझ रहे होंगे। अगर तब कहते होंगे बेबी नेटवर्क नहीं आ रहा है, बहुत समस्या नेटवर्क का है। वही नेटवर्क वा जो बेबी को बता रहे हो ना, वही नेटवर्क वा यहाँ पर है लाइन के रूप में। तो कहा दिया है ऑन द फर्स्ट डे, मीन्स प्रथम दिन, द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, मीन्स लाइन मीन्स नेटवर्क, नेटवर्क क्या था, खराब था। पहले दिन मीन्स 24 घंटा बाद जब इनका नंबर आया तो पहले दिन नेटवर्क खराब था। अब दूसरे दिन देखो क्या होता है, ऑन द सेकेंड मीन्स दूसरे दिन, द एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स वह दुकानियां, द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड, वह दुकानियां बंद थी। मीन्स अगले दिन, उसके दूसरे दिन दुकानियां बंद थी फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, मीन्स धार्मिक छुट्टी के कारण। कोई धार्मिक छुट्टी पड़ गई और धार्मिक छुट्टी के कारण दुकानियां क्या हो गई थी, दूसरे दिन बंद हो गई थी। आगे देखते हैं, ऑन द थर्ड डे, अब किस दिन पहुंचते हैं, तीसरे दिन पहुंचते हैं, देखते हैं तीसरे दिन क्या है। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, और फिर कोई दूसरा व्यवधान था। ब्रेकडाउन मीन्स होता है व्यवधान होना, रुकावट होना। तीसरे भी दिन कोई दूसरा रुकावट थी, मीन्स पहले दिन फोन नहीं लगा, दूसरे दिन फोन नहीं लगा, तीसरे दिन फोन नहीं लगा। अब देखते हैं क्या होता है, अब माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त जा चुका था। मीन्स अब भैया दोस्त को कितना दिन कहेंगे, उसका तो मेल मिल गया था, वो तो वापस चला जाएगा ना, एक दिन इंतजार करेगा, दो दिन इंतजार करेगा, कितना दिन इंतजार करेगा। तो वो चला गया था, माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त जा चुका था, एंड आई अरेंज्ड, मैंने व्यवस्था किया या सोचा टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, मीन्स एक सप्ताह बाद उससे मिलने के लिए सोचा। मीन्स मेरा जो दोस्त चला गया, मैंने एक सप्ताह में उससे मिलने को सोचा, अर्थात सोचा कि यहाँ पर एक सप्ताह में काम खत्म हो जाएगा तो उससे मिलेंगे। फाइव डेज लेटर, मीन्स पाँच दिन बाद, माई मेल अराइव्ड, मीन्स मेरी मेल आई, मतलब हमारा डाक आ गया। कितने दिन बाद, पाँच दिन बाद, पाँच दिन बाद मेरी डाक आई। अब देखो पाँच दिन बाद जब डाक आई हुई है तो देखो क्या होता है, आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, और इस डाकिया को पढ़ने के लिए, इस संदेशवा को पढ़ने के लिए, आई कैरीड इट, मैं इसे लेकर के गया, कैरीड मीन्स ले जाना, इट टू माई बेडरूम, अपने शयन कक्ष में ले गया। बेडरूम मीन्स होता है बिस्तर, बिस्तर मतलब जहाँ सोते हो उसी को कहते हैं बेडरूम में। तो हमने क्या किया, उसको अपने बेडरूम में ले गया, मतलब उस पत्रवा के ले गया है, और कुछ नहीं, बेडरूम में लेके गया है। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम, उसे मैं बेडरूम बिस्तर पर ले गया। टू रीड मीन्स पढ़ने के लिए, उससे पढ़ने के लिए अपने शयन कक्ष में ले गया। एंड डियर, और वहाँ पर जब मैं पहुँचा अपने कमरे में तो वहाँ पर देखा स्क्वीटिंग ऑन द फ्लोर, मीन्स फर्श पर पालथी मार करके बैठे हुए। स्क्वीटिंग मीन्स होता है पालथी मार करके बैठना। तो देखा कि वहाँ फर्श पर पालथी मार के बैठे हुए हैं वर टू अरब्स, दो अरबी लोग। वहाँ पर देखा दो अरबी लोग पालथी मार करके क्या किए हुए हैं, बैठे हुए हैं।
बीसाइड देम उनके बगल में, मीन्स वो दुइठ जो व्यक्तियां थे वहां पर उनके बगल में, ले मीन्स पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था अर्थात पड़ा हुआ था, असैक, सैक मीन्स होता है बोरा, एक बोरा पड़ा हुआ था, दैट स्क्वायर स्क्वायर्म्ड, दैट स्क्वायर्म्ड जो हिल रहा था फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स समय समय पर, दैट स्क्वायर्म्ड जो हिल रहा था, स्क्वायर्म्ड मीन्स होता है हिलना, फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स समय समय पर जो क्या कर रहा था, हिल रहा था, उन दोनों अरब के लोगों के पास में एक बोरा पड़ा हुआ था जो समय समय पर क्या कर रहा था, टाइम टू टाइम मीन्स समय समय पर क्या कर रहा था, हिल रहा था। They handed me, उन्होंने मुझे समर्पित किया, दिया, a note means एक नोट दिया, from my friend means मेरे दोस्त की तरफ से, उन्होंने मेरा एक नोट मेरे दोस्त की तरफ से दिया, here is your order, और उस नोट पे क्या लिखा गया था, here is your order, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, उदबिलाव है, मतलब वो जो बोरवा में हिल रहा था वही क्या है, उदबिलाव है। तो उसका दोस्त, देखो ई दोस्ती होती है, जाने से पहले जान रहा था कि इसका पसंदीदा है आर्टर, आर्टर जान रहा था इसको पसंद है, ये लेना चाहता है, तो वो गिफ्ट दे करके चला गया, मींस कहा हियर इज योर आर्टर, यहां पर जो है तुम्हारा क्या है, उद्बिलाव है, मींस तुम्हारा आर्टर है। इसे कहते हैं दोस्ती। आजकल के दोस्त फर्जी वाले दोस्त होते हैं, इन्हें कुछ मिल जाए ना, ये चाहते हैं हमको कितना दोस्त से कब्जियां, कितना दोस्त खर्चा करें हमारे साथ में रहे, ये आजकल देने वाले दोस्त नहीं होते हैं। ये आपका पहला जो है कंप्लीट हुआ, पहला आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे टर्म में चलते हैं, तीसरे पैसेज पे, दूसरे टर्म में तीसरे पैसेज पे जल्दी से चलते हैं। आप लोग अपनी किताब खोल करके ध्यान से देखते रहिए, अगर ध्यान इधर उधर हटा ना तो सबको पीटेंगे, एक तरफ से पीटेंगे, इसलिए एकदम ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए। जब तक हम पढ़ाए ना, हम ही से केवल बतियाया करो और ध्यान में कुछ लाया ना करो। आगे चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे पैरबचो, और तीसरे पैराग्राफ पे चलने से पहले जो बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और क्लास टेंथ की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेगा जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, प्यार जो उन बच्चों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं, देखिए हैं सेकंड में, यहाँ देखिए तीसरा पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, विद द ओपनिंग मीन्स खोलते ही, आप दैट सैक मीन्स उस बोरे को खोलते ही, बिगेन अ फेज मीन्स शुरू हुआ, अ फेज मीन्स एक अध्याय ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, उस बोरे को खोलते ही मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, That has not yet ended, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात जब राइटर लिख रहा है तब कह रहा है That not yet ended, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, And may, और शायद For all I know, जहां तक मैं जानता हूं, Not end before I do, और तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक मैं करूंगा नहीं, और तब तक या शायद तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक मैं इसे करूंगा नहीं समाप्त, इट इज इन इफेक्ट मीन्स प्रभाव, इन इफेक्ट मीन्स होता है असल में, इन इफेक्ट मीन्स होता है असल में, इट इज यह है, इन इफेक्ट मीन्स असल में, यह असल में है, अ थ्रॉलडम, थ्रॉलडम मीन्स होता है दासता या गुलामी, ये असल में थ्रॉलडम है मीन्स दासता या गुलामी है, टू अटर्स मीन्स किसकी, उद्बिलाओं की जो यह गुलामी है जो हम लोग उसे उन्हें पालते हैं, एंड अटर फिक्सेशन यह उनके प्रति लगाव है, फिक्सेशन मीन्स होता है लगाव, जो उद्बिलाओं की मीन्स अटर की हम लोग गुलामी करते हैं यह उनके प्रति क्या है, फिक्सेशन है मीन्स लगाव है, फिक्सेशन मीन्स होता है लगाव, That I have since found to be shared by most other people, that I have since found, जिसे मैंने पाया, to be shared means साझा किया, by most other people means कई अन्य लोगों से साझा किया, means इस बात को कई अन्य लोगों के साथ साझा किया, who have ever owned one, जो कभी इनमें से एक का मालिक हुए थे, means जो कभी आर्टर को पाले हुए थे, एक का ओन्ड मीन्स मालिक होना अर्थात पाले हुए होना, मीन्स जो इनमें से किसी आर्टर को पाले हुए थे, हमने उनके साथ इस विचार को क्या किया, साझा किया, उनकी क्या थी, इस आर्टर के प्रति क्या थी, गुलामी थी मीन्स दासता थी, मीन्स उन्हें वे पालते थे। आगे चलते हैं प्यार बच्चों, इसमें देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है,
दी क्रिएचर, यह प्राणी, क्रिएचर किसकी बात हो रही है, उद्विलौगा की बात हो रही है, ऑटर की बात हो रही है। दी क्रिएचर मीन्स ऑटर, यह उद्विलाव दैट इमर्ज्ड, इमर्ज मीन्स होता है निकलना, जो निकला था फ्रॉम दिस सैक मीन्स इस बोरी में से, यह उद्विलाव जो इस बोरी में से निकला था ऑन टू दी स्पेसियस, स्पेसियस मीन्स होता है विशाल, टाइल्ड मीन्स टाइल की, फ्लोर मीन्स फर्श, इस विशाल टाइल की फर्श पर जो निकला आप दी कंसुलेट बेडरूम, कंसुलेट मीन्स वाणी दूतावास के बिस्तर, बेडरूम मीन्स शयन कक्ष में, बेडरूम मीन्स जहां पर बिस्तर होता है, बेडरूम में जब यह निकला विशाल जो है विशाल टाइल वाले फर्श के बेडरूम में, मीन्स वाणी दूतावास के बेडरूम में जब यह बोरी से निकला यह प्राणी, यह जो है क्रिएचर जानवर, मोस्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल, तो यह रिजेंबल्ड, अच्छा रिजेंबल्ड तो यह प्रतीत हो रहा था, रिजेंबल्ड मीन्स होता है प्रतीत होना, मोस्ट ऑफ ऑल मीन्स अधिकतर, अधिकतर अ वेरी स्मॉल मीन्स बहुत छोटा प्रतीत हो रहा था, जब उसमें से बोरे में से निकला यह बहुत छोटा सा प्रतीत हो रहा था। मिडिवली कंसीव्ड, मिडिवली कंसीव्ड मीन्स होता है मध्यकालीन कल्पना के अनुसार के समान था, अ ड्रैगन मीन्स एक ड्रैगन, यह मध्यकालीन कल्पना के एक ड्रैगन के समान दिख रहा था। पहली बात तो यह बहुत छोटा था, दूसरी बात यह मध्यकालीन कल्पना के एक ड्रैगन के समान दिख रहा था। मिडिवली कंसीव्ड मीन्स होता है मध्यकालीन कल्पना, और ड्रैगन मीन्स होता है ड्रैगन, यह मध्यकालीन कल्पना के ड्रैगन के समान रिजेंबल्ड हो रहा था, मीन्स प्रतीत हो रहा था। तो अब फिर से देखना, द क्रिएचर दैट हैड इमर्ज फ्रॉम दिस सेक, यह प्राणी जो इस बोरी में से निकला था ऑन टू दी स्पेशियस टाइल फ्लोर ऑफ दी कंसुलेट बेडरूम, मीन्स वाणी दूतावास की जो है विशाल टाइल के फर्श पे यह जो जानवर निकला हुआ था, रिजेंबल मीन्स प्रतीत हो रहा था, मोस्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल बहुत छोटा प्रतीत हो रहा था, मिडिवली कंसीव्ड मीन्स मध्यकालीन कल्पना के अनुसार ड्रैगन, ड्रैगन मीन्स मध्यकालीन कल्पना के ड्रैगन के अनुसार प्रतीत हो रहा था। आगे चलते हैं, फ्रॉम दी हेड टू दी टिप ऑफ दी टेल, फ्रॉम दी हेड मीन्स सर से लेकर के, टू दी टिप ऑफ दी टेल मीन्स पूंछ तक, सर से लेकर के पूंछ के सिरा, सॉरी सिरे तक, टिप मीन्स होता है सिरा, ऑफ दी टेल मीन्स पूंछ, पूंछ के सिरे तक मीन्स उसके सर से लेकर के पूंछ के सिरे तक, ही वॉज कोटेड विथ, कोटेड मीन्स होता है ढका हुआ होना, ही वॉज कोटेड विथ, वह ढका हुआ था विथ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मीन्स होता है एक समान, पॉइंटेड स्केल ऑफ मड आर्मर मीन्स कीचड़ के कवच से ढका हुआ था, मीन्स वह सर, पूरा सर से लेकर के पूरे पांव के सिरे तक, मीन्स उसके पैर के सिरे तक पूरी तरह से वह कीचड़ के कवच से ढका हुआ था। अर्थात क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वह पूरी तरह से कीचड़ युक्त था, पूरी तरह से कीचड़ से क्या किया हुआ था, ढका हुआ था, अर्थात उसके पूरे शरीर पर क्या लगा हुआ था, कीचड़ लगा हुआ था। आगे देखते हैं, बिटवीन हूज टिप्स, जिनके सिरों के बीच, वाज विजिबल सॉफ्ट, एक थोड़ा सा दिख रहा था, दृश्य था, सॉफ्ट मीन्स नर्म, वेलवेट मीन्स होता है मखमल, वेलवेट मीन्स होता है मखमल, फर मीन्स रोए, लाइक दैट ऑफ चॉकलेट ब्राउन मोल मीन्स चॉकलेट, भूरे चॉकलेट के तिल के समान, एकदम तिल के समान प्रतीत हो रहा था, एकदम भूरे चॉकलेट के तिल के समान इसका मखमल जो है, मखमल गर्म, इसके नर्म और नर्म मखमल के समान इसके रोए दिख रहे थे, मीन्स थोड़ा सा कहीं से इसके रोआ दिख रहा था, एक तो पूरी तरह से हम जो है कीचड़ से सना हुआ था, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका रोआ दिख रहा था, जो रोआ दिख रहा था वह कितना प्यारा था, दिया हुआ है एकदम मखमल जैसा नर्म था, और इसके जो रोए थे मखमल जैसे नर्म थे, चॉकलेट ब्राउन मोल मीन्स चॉकलेट, भूरे चॉकलेट के तिल के समान यह था। He shook himself, उसने अपने आप को हिलाया, मतलब अपनी शरीरिया को हिलाया, and I half expected, और मैंने उम्मीद किया, a cloud of dust, मैंने एक बादल, cloud means बादल, of dust means धूल के एक बादल की उम्मीद किया था, means हमने एक धूल की बादल का उम्मीद किया हुआ था, बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में इट वॉज नॉट फॉर एंदर मंथ मीन्स इसके लिए दूसरा महीना लग गया, दैट आई मैनेज टू रिमूव, तब किसी तरह से हम हटा पाए द लास्ट ऑफ द मड मीन्स अंतिम कीचड़ को, तब हम किसी तरह से क्या कर पाए, हटा पाए।
मीन्स दूसरा महीना लग गया था जब हम इसके शरीर से अंतिम कीचड़ को हटा पाए, अर्थात इसे साफ साफ करते करते पूरे एक महीने लग गए थे। एंड सी दी आर्टर, और उस आर्टर को देख सके एज इट वर जैसा यह था इन हिज ट्रू कलर, अपने वास्तविक कलर में, अपने वास्तविक रंग में, जैसा यह अपने वास्तविक रंग में था उसे देखने, उस आर्टर को देखने के लिए हमें पूरा एक महीने से ज्यादा समय लग गया जब उसके कीचड़ को उसके शरीर से क्या कर पाए, हटा पाए। तो मीन्स एक महीने में वह उसको और उस आर्टर को क्या करता रहा, धोता रहा, तब उसका जो रियल उसकी स्क्रीन थी, मीन्स उसकी जो चमड़ी थी, अर्थात उसके जो रोएं थे, तब जो है राइटर को दिखे। कब दिखे? पूरे एक महीने के उसे नहलाने के बाद। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। जो तीसरा पैराग्राफ था, जल्दी से चौथे पैराग्राफ पे चलते हैं। और चौथे पैराग्राफ में चलने से पड़ी बड़ी मेहनत लगती है प्यारे, आपकी क्लास के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बस आपसे उम्मीद यही करते हैं आप हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे, ठीक है, जिससे हर एक बच्चे का फायदा हो सके। जो भी क्लास टेंथ का बच्चा है सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तबीयत खराब होती है फिर भी आपकी क्लास लेते हैं, किसी तरह से जो है आपके सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चे, काफी दिमाग में उलझन बनी रहती है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, चौथे पैराग्राफ में चलते हैं। मिजबिल एज आई कॉल द आर्टर, मिजबिल इसका नाम क्या रखा इन्होंने, मिजबिल रखा। अब इस आर्टर को इन्होंने क्या नाम दे दिया, मिजबिल। मिजबिल एज आई कॉल द आर्टर, जैसा कि हमने उस उद्विलाओं को पुकारा, उस उद्विलाओं को हमने क्या नाम देकर के पुकारा, मिजबिल नाम देकर के पुकारा। वाज मींस था, इनफैक्ट मींस वास्तव में, ऑफ अ रेस मींस एक ऐसी प्रजाति से था, प्रीवियसली जो पहले, अननोन मींस नहीं जानी हुई थी, टू साइंस मींस विज्ञान के लिए, जो विज्ञान में नहीं जानी गई थी, मींस वह ऐसे प्रजाति से था जिसे विज्ञान में कभी चर्चा नहीं किया गया था, मींस अननोन थी जो विज्ञान में। एंड वाज एट लेंथ, एट लेंथ मींस होता है लंबे समय बाद, और लंबे समय बाद क्रिस्टेंड, क्रिस्टेंड मींस होता है नामकरण करना, और लंबे समय बाद नामकरण किया गया बाय जूलॉजिस्ट, जीव वैज्ञानिकों के द्वारा। जूलॉजिस्ट मींस होता है प्राणी वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिकों के द्वारा इसका क्या किया गया, नामकरण किया गया। जूलॉजिस्ट मींस होता है प्राणी वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिकों के द्वारा इसका नामकरण किया गया, और नामकरण इसका क्या किया गया, लुट्रोगेल पर्सिपिसिलेटा मैक्सवेली। नामकरण क्या किया गया, लुट्रोगेल पर्सिपिसिलेटा मैक्सवेली इसका नाम रखा गया। आर मैक्सवेल्स ऑर्टर, या फिर मैक्सवेल का ऑर्टर नाम रखा गया। मैक्सवेल का ऑर्टर क्यों रखा गया, क्योंकि मैक्सवेल ने इसे खोजा हुआ था, तो मैक्सवेल का ऑर्टर उसे यहीं पर नाम रख दिया गया। तो सिंपल सी बात, इसका ए नाम रखा गया, ये साइंटिफिक नाम है, लुट्रोगेल पर्सिपिसिलेटा मैक्सवेली, ये साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। आप पढ़ते होंगे वैज्ञानिक नाम जीवों का, तो वही इसका आर्टर का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं, फॉर द फर्स्ट 24 आवर मीन शुरुआती 24 घंटे, फॉर द फर्स्ट मीन शुरुआती 24 आवर्स मीन शुरुआती 24 घंटे, मिजबिल जो मिजबिल था वाज नाइदर हॉस्टाइल, न तो वह हॉस्टाइल रहा मीन शत्रुवत, हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुवत, न तो वह शत्रुवत रहा नार फ्रेंडली, न ही वह दोस्ताना रहा, मीन्स शुरुआती 24 घंटे में न तो वह शत्रुवत रहा, न तो ही वह क्या रहा, दोस्ताना रहा। ही वॉज सिंपली एलूफ, वह साधारण रूप से एलूफ था, मीन्स दूर था, एलूफ मीन्स होता है दूर, वह साधारण से दूरी बनाए रखा हुआ था, एंड इनडिफरेंट और उदासीन था, वह साधारण से एक दूरी बनाए हुआ था और इनडिफरेंट था, उदासीन था। चूजिंग टू स्लीप ऑन टू द फ्लोर, और उसने चुना टू स्लीप मीन्स सोने के लिए, ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर, फर्श पर उसने सोने के लिए चुना, अर्थात वह फर्श पर लेटा हुआ था। एज फार उतना दूर फ्रॉम माई बेड मीन्स मेरे बिस्तर से उतना दूर था वह, एज पॉसिबल जितना कि संभव था, जितना कि संभव था उतना वह मेरे बिस्तर से क्या था, दूर था। मतलब ससुरा हमारे पास नहीं आ रहा था, अभी हमारा उद्विलाव 24 घंटा में पाले हुए हैं,
तो बताओ 24 घंटा में हमारे पास सट क्या जाएगा? इकोनो हमारी मेहरारू तो नहीं है कि ब्याह करके स्कूल लेके आए हैं और तुरंत ही हमारे साथ जो है ब्याह करने के बाद एकदम साथ सट के सोएगी, ऐसा तो कोनो हो नहीं ना। ये उदबिलाव है, इसके लिए तो अननोन है। अननोन है तो भैया थोड़ा सा एक बार अनचिन्हा मनाएगा ना। तो 24 घंटा तक यह जितना इससे दूर हो सकता था उतना दूर फर्श पर क्या किया हुआ था, सोया हुआ था। अब आगे देखो, आगे क्या होता है, आगे देखते हैं हम लोग। दी सेकेंड नाइट, सेकेंड नाइट मीन्स दूसरी रात्रि को, पहली रात्रि तो ऐसे बीत गया मीन्स दूरे दूरे सो के बीत गया, अब देखो दूसरी रात्रि को क्या होता है, ठीक है। दी सेकेंड नाइट, दूसरी रात्रि को मिजबिल केम ऑन टू माई बेड, मिजबिल मेरे बिस्तर पर आया। इन दी स्मॉल आवर्स, स्मॉल आवर्स मीन्स होता है रात्रि के दूसरे पहर में। इन दी स्मॉल आवर्स मीन्स रात्रि के दूसरे पहर में, रात्रि के दूसरे प्रहर में वह मेरे पास आया। एंड रिपेंड एस्लीप, और सो गया इन दी क्रुक, क्रुक मीन्स होता है मुड़े हुए, आप माई नीज मीन्स मेरे घुटने के मुड़े हुए भाग में वह क्या कर गया, आके सो गया। मीन्स दूसरी रात में, दूसरे दिन रात्रि के दूसरे पहर में वह मेरे घुटनों के बीच के जो मोड़ था, जो जोड़ था, उसमें आकर के सो गया। अनटिल, तब तक सोया। दी सर्वेंट ब्रॉट टी, जब तक नौकर ने चाय नहीं लाया। इन दी मॉर्निंग में सुबह, जब तक सुबह जो है नौकर चाय नहीं लाया तब तक वहीं पर वह क्या कर रहा था, सो रहा था। आगे देखते हैं। And during the day, और दिन के दौरान, he began to lose, वह खोना शुरू किया, his apathy means अपनी उदासीनता, and take a keen, much too keen, और अत्यधिक keen means होता रुच लेना, और अत्यधिक रुच लेने लगा, interest in his surroundings, अपने आसपास की चीजों में, surroundings means होता आसपास की चीज, आसपास की चीज में क्या करने लगा, रुच लेने लगा। तो means अभी तक भैया कहानी क्या है कि miserable शुरुआती 24 घंटा में, पहले दिन तो जो है, पहले दिन तो हमारे पास एकदम बिल्कुल आया नहीं, वो दूर दूर सोया हुआ था, ठीक है, जितना संभव था उतना दूर सोया, लेकिन दूसरे दिन रह नहीं पाया, वह चला आया कहां पर, हमारे बीच में पैरवा के बीचों में आके क्या कर गया, सो गया। जो घुटनवा होता है, नहीं घुटना होता है ना, जहां मुड़ा हुआ घुटनवा होता है वहीं के बीच में आकर के क्या गया, सो गया। जैसे बतिया होती है ना, जैसे सपोज दैट मेहरारू से हम शादी करके लाए, उस मेहरारू का मन नहीं था हमसे ब्याह करने का, अगर उसका मन नहीं था उससे हमसे ब्याह करने का, लेकिन तब वो ब्याह कर ली है, एक दिन तो मुंह फुलाएगी, एक दिन मुंह फुलाएगी ना भैया, कि दूर दूर सो जाएगी ना, कहेगी ठीक है हम तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे, हमारा मन नहीं था ब्याह करने का, तो एक दिन सोएगी, दो दिन सोएगी, लेकिन तीसरे दिन आकर के फिर बगलवे सोएगी ना, सोचेगी कि अब तो इन्हीं के साथवा रहना है, तो सो ही जाते हैं इन्हीं के साथवा में। तो वही बात है, जब अटरवा को पता चला कि भैया इसी के साथ जिंदगी बिताना है अब, तो जाकर के उसके घुटनों के पास में क्या कर गया, सो गया। आगे चलते हैं। I made a body belt for him, मैंने उसके लिए क्या बनाया, एक बॉडी बेल्ट बनाया। एंड took him on a lead to the bathroom, और नेतृत्व करते, lead means होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करते हुए वह उसके कहाँ पर ले गए, बाथरूम में ले गए, मीन्स जहाँ नहाते वहाते हैं वहाँ ले गए उसे। Where for half an hour, जहां पर वह आधे घंटे, he went wild with joy in the water, वह एकदम जंगलियों की तरह पानी में आनंद उठा रहा था, मीन्स आधे घंटे तक उसने पूरे पानी का आनंद उठाया। प्लंगिंग, प्लगिंग, प्लंगिंग मीन्स होता है डुबकी लगाना, वह उसमें डुबकी लगा रहा था। रोलिंग मीन्स लोट रहा था, इन इट मीन्स उसमें लोट रहा था पानी में। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ, शूटिंग अप एंड डाउन मीन्स शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, और वह शूटिंग मीन्स जा रहा था ऊपर नीचे जा रहा था, अप एंड डाउन मीन्स ऊपर नीचे, वह उस ऊपर नीचे जा रहा था। द लेंथ ऑफ द बाथटब मीन्स उस बाथटब के पूरे लंबाई में, वह पूरे बाथटब की पूरी लंबाई में जा रहा था। अंडर वाटर मीन्स पानी के नीचे, पानी के नीचे वह नीचे नीचे क्या कर रहा था, जा रहा था। अगर आपका पानी ज़्यादा भरा हुआ है, अब आटर आपको पता है पानी से ज़्यादा पसंद होता है, अब पनिया के निचवा निचवा ऊपरा ऊपरा नहीं फिसल रहा था, नीचे नीचे अंदर अंदर क्या कर रहा था, जा रहा था। एंड मेकिंग इनफ स्लॉस, और अत्यधिक पर्याप्त बना रहा था। स्लॉस मीन्स होता है घूमना फिरना, स्लॉस मीन्स होता है घूमना फिरना।
वह जो है अत्यधिक घूम फिर रहा था एंड इस प्लेस और लौट रहा था फार अ हिप्पो मीन्स एक दरियाई घोड़े के समान, फार अ हिप्पो मीन्स एक दरियाई घोड़े के समान वह उसमें लेट रहा था। आगे देखते हैं आगे क्या है। This means यह I was to learn, मैंने सीखा। I was to learn means मैंने क्या किया, सीखा। क्या सीखा, क्या सीखा, मैंने सीखा, क्या सीखा। I was to learn is characteristics of otters, यह क्या होता है, otters का गुण होता है, means यह विशेषता होती है। मैंने सीखा कि यह otters की क्या होती है, विशेषता means गुण होती है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मीन्स पानी की प्रत्येक बूंद मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड, वे जितना बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंडेड मीन्स होता है बढ़ाना, पानी की प्रत्येक बूंद को वे जितनी बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाते हैं। एंड स्प्रीड अबाउट द प्लेस, और पूरे स्थान पे क्या करते हैं, उसे फैला देते हैं, पानी को वे क्या करते हैं, पूरे स्थान पर फैला देते हैं। एंड अ बाउल, और एक कटोरा मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड मीन्स उसे क्या कर दिया जाता है, ओवरटर्न मीन्स पलट दिया जाता है। अगर उसमें कोई कटोरा है तो कटोरे को क्या कर दिया जाता है, तुरंत पलट दिया जाता है। आर इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, और यदि उसे पलटा नहीं जा रहा है, एंड इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, और यदि उसे पलटा नहीं जा रहा है, बी सेट इन, तो उसमें बैठ जाता है। एंड स्प्लोज्ड, स्प्लोज्ड मीन्स होता है उछालना, एंड स्प्लोज्ड और उछालता है, इन इट इन इसमें उछालता है, अंटिल इट ओवरफ्लोज, जब तक वह बह नहीं जाता है, और जब तक वह बह नहीं जाता उस कटोरे के कटोरे को क्या करता रहता है, उछालता रहता है। ये किसकी क्वालिटी की बात हो रही, ये उद्विलाव की क्वालिटी की बात हो रही है, मीन्स जो है यह ऑटर की बात हो रही है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन टू द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स मीन्स जो पानी होता है, पानी को हमेशा कैसे होना चाहिए, मूव होते रहना चाहिए, मीन्स चलते रहना चाहिए। उनके लिए पानी को हमेशा मूव होते रहना चाहिए, मीन्स चलते रहना चाहिए। आई एम मेड टू डू थिंग्स, और कुछ करते रहना चाहिए, मीन्स पानी में उन्हें कुछ करते रहना चाहिए। When static, जब पानी स्थिर हो जाता है, it is wasted, तो यह बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है उनके लिए। And provoking, और गुस्सा दिलाने वाला हो जाता है, provoke means होता है गुस्सा दिलाना, तो यह जो है गुस्सा दिलाने वाला हो जाता है, और क्या हो जाता है, wasted हो जाता है, means व्यर्थ हो जाता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब देख लो उद्विलाव, यही है उद्विलाव, देख रहे हो ना, एकदम मस्त वाला उद्विलाव हुआ है ना। और देखो मुहा में क्या पकड़ा हुआ है, मछली पकड़ा हुआ है, हमने बताया ना इसका आहार का है मछली, इसका आहार है ना, तो ये मुहा में इसलिए मछली पकड़ा हुआ। अब इसका जीवन कहाँ पर है, इसका जीवन तो कहाँ पर है, सिंपल सी बात है, पानी में है, और पनिया में इसको खाने के लिए कहाँ मिलेगा, मछली मिलता है ना, तो इसलिए इसका आहार क्या होता है, मछली होती है। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे, आप अगर बुड़बक नहीं होंगे तो समझ गए होंगे, आप प्यारे बच्चे हैं, आप समझदार बच्चे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ समझते हैं जो सर जी आपके कहते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पांचवा पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ देखिए आपका पांचवा पैराग्राफ दिया है, टू डेज लेटर मीन्स दो दिन बाद, टू डेज लेटर मीन्स दो दिन बाद मिजबिल स्केप्ड, मिजबिल क्या कर जाता है, स्केप्ड मीन्स निकल के भाग जाता है, स्केप्ड मीन्स बच निकलता है, कहाँ से, फ्रॉम माई बेडरूम मीन्स मेरे बेडरूम मीन्स मेरे शयन कक्ष से, मेरे शयन कक्ष से वह बच निकला, एज आई इंटर्ड इट, जब मैं उसमें प्रवेश किया, मीन्स अगले दिन जो है, दो दिन बाद जो है, मिजबिल क्या किया, मेरे शयन कक्ष से निकल भागा, एज आई इंटर्ड इट, जब मैंने उसमें क्या किया, प्रवेश किया। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल, और मैंने देखा, टू सी हिज टेल की उसकी पूंछ डिसअपीयरिंग मीन्स गायब हो रही थी, राउंड दी बेंड मीन्स झुकना, आप दी कॉरिडोर मीन्स उस गलियारे की तरफ, उस गलियारे की तरफ उसकी पूंछ जो है गायब हो रही थी, मीन्स जा रही थी, दैट लीड टू दी बाथरूम, जो स्नानागार में लेके जा रही थी, मीन्स जहाँ नहाते हैं, जो उस तरफ जा रही थी, मीन्स उसने कॉरिडोर से पकड़ा, और किस तरफ, किस गलियारे की तरफ बढ़ा हुआ है, जहाँ नहाते हैं, जहाँ बाथरूम है, वहाँ पर उस तरफ वह जा रहा है। बाई द टाइम आई गॉट दियर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, ध्यान देना,
बाई द टाइम मीन्स उस समय आई गॉट दियर जब मैं वहां पर पहुंचा, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब मीन्स वह स्नान करने वाला जो टब था, बाथ टब जो था उसके अंतिम छोर पर था, एंड फंबलिंग और खोल रहा था एट द क्रोमियम टैप्स मीन्स क्रोमियम की टोटी को खोल रहा था। क्रोमियम मीन्स एक धातु का नाम है, टैप मीन्स होता है टोटी। वह फंबलिंग मीन्स खोल रहा था एट द क्रोमियम टैप्स मीन्स क्रोमियम की कोमियम की टोटी को खोल रहा था, विथ हिज पाज अपने पंजों से मीन्स बाथटब में गया और जो क्रोमियम की वहां पर टोटी थी जिससे पनिया निकलता था वह उसको क्या कर रहा था, खोल रहा था। मीन्स देखो इतना पानी पसंद है इसको। आगे है, आई वाज्ड मैंने इसे ध्यान दिया, वाज मीन्स ध्यान देना, एंड अमेज्ड और क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, इन लेस देन अ मिनट और एक मिनट से कम समय में, ही हैड टर्न्ड उसने खोल दिया द टैप मीन्स टोटी को, फार एनफ टू प्रोड्यूस जिससे वह दे सके अ ट्रिकल ऑफ वाटर मीन्स ट्रिकल मीन्स रिसाव ऑफ वाटर मीन्स पानी का, जिससे पानी का रिसाव होने लगा मीन्स एक मिनट के कम ही समय में उसने टोटी को खोल दिया जिससे पानी का क्या होने लगा, ट्रिकल होने लगा मीन्स रिसाव होने लगा। And after a moment और एक क्षण बाद, आर टू मीन्स दो क्षण, एक या दो क्षण बाद, achieved the full flow मीन्स पानी पूरे प्रवाह से बहने लगी, फ्लो मीन्स प्रवाह, पूरे पानी पूरे प्रवाह से क्या होने लगी, बहने लगी मीन्स एक दो क्षण के बाद तुरंत पानी पूरे प्रवाह के साथ क्या करने लगी, बहने लगी। He had been lucky वह लकी था, सौभाग्यशाली था, to turn the tap जिसने टैप मीन्स टोटी को टर्न किया मीन्स मोड़ा द राइट वे मीन्स सही तरीके से, यह सौभाग्यशाली था कि उसने टोटी को सही तरीके से मोड़ा, क्योंकि आप दो तरह से मोड़ते हैं, एक तरफ मोड़ोगे तो एक कस्ता चला जाता है, एक तरफ मोड़ेगा तो जो है ढीला होता है जिससे पानी निकलने लगता है, तो वह सौभाग्यशाली था जिसकी वजह से टोटी से उसने टोटी को सही वे में मोड़ा। ऑन लेटर ओकेजन और कई अन्य अवसरों पर, ही वुड समटाइम्स वह कभी कभी स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर वह उससे भी अधिक उसे टाइट कर देता था मीन्स टाइट कर देता था, जाहिर सी बात है टाइट कब होगा, जब उसे गलत साइड में मोड़ देगा तो उसे टाइट कर देता था। चिटरिंग वह चिड़ जाता था विथ इरिटेशन, इरिटेशन मीन्स होता चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ेपन से चिढ़ जाता था, एंड डिसअपॉइंटमेंट और निराशा से चिढ़ जाता था एट टैप्स फेल्योर जब उसकी टोटी असफल हो जाती थी, टू कोऑपरेट मीन्स सहयोग करने से मीन्स जब उसकी टोटी सहयोग करने से असफल हो जाती थी मीन्स उसकी टोटी के सहयोग न करने पर निराशा और खीज उसे क्या करते थे, चिढ़ाते थे मीन्स जो है चिटरिंग मीन्स चिढ़ाना, विद इरिटेशन मीन्स जो है खीज, एंड डिसअपॉइंटेड मीन्स निराशा, एट द टैप्स फेल्योर मीन टैप की असफलता पर, टू कोऑपरेट मीन्स सहयोग करना मीन्स जो है नल के सहयोग न करने पर निराशा और खीज उसे क्या करते थे, चढ़ाते थे मीन्स खुद से चिढ़ने लगता था, ठीक है उस टोटी से चिढ़ने लगता था, काहे नहीं खुल रहा है, ऐसा काहे हो रहा है, उसके अंदर जो है चिढ़ आ जाती थी। तो प्यारे बच्चे ये आपका पांचवा पैराग्राफ था, हम लोग चलते हैं छठे पैराग्राफ की तरफ, बढ़ते हैं देखते हैं आपका छठा पैराग्राफ क्या है। तो यहां पर चलते हैं, वेरी सून बहुत जल्दी मिज वुड फॉलो मी, मिज मेरा पीछा करने लगा था, विदाउट अ लीड मीन्स बिना नेतृत्व के ही मीन्स थोड़े ही समय में मिज जो है मेरे बिना नेतृत्व करने से ही वह मेरा पीछा करने लगा मीन्स अब मुझे नेतृत्व नहीं करना पड़ता था कुछ काम करने के लिए उसे, अब वह जो है पीछे पीछे वह काम करने लगा मीन्स बिना नेतृत्व के ही वह मेरा पीछा करने लगा, पीछे पीछे चलने लगा, अनुसरण करने लगा, फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना। एंड कम टू मी और मेरे पास आता, व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम जब मैं उसके नाम से बुलाता, और जब मैं उसके नाम मिजिबल से बुलाता तो वह अब मेरे पास आने लगा था मीन्स धीरे धीरे यह क्या बन गया था, पालतू बन गया था। आगे चलते हैं, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम वह अपना अधिकतर समय बिताता था इन प्ले मीन्स गेम में खेल में, वह अपना अधिकतम समय किसे बिताता था, खेल में बिताता था। ही स्पेंट आवर्स वह कई घंटे बिता देता था, सफलिंग मीन्स उलझते हुए घसीटते हुए अ रबर बाल मीन्स एक रबर की गेंद को, राउंड द रूम मीन्स कमरे में चारों तरफ
कमरे में चारों तरफ एक रबर की गेंद को वह घसीटने में काफी समय बिता देता था। सफलिंग मिस होता है घसीटना या उलझना या खेलना, ठीक है, घसीटना इसकी मेन मीनिंग होती है। ही स्पेंट आवर्स वह घंटों बिता देता था सफलिंग मीन्स घसीटने में, रबर बॉल मीन्स एक रबर की गेंद को, राउंड द रूम मीन्स कमरे में चारों तरफ, और किसके समान घसीटता था, लाइक अ फोर फीटेड सॉकर, सॉकर प्लेयर मीन्स चार पैरों वाले फुटबॉल, सॉकर मीन्स होता है फुटबॉल, फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह, यूजिंग ऑल फोर फीट, जो अपने चारों पैरों को प्रयोग करता था ट्रू ड्रिबल मीन्स लुढ़काने के लिए, दी बॉल मीन्स उस गेंद को वह लुढ़काने के लिए, ड्रिबल मीन्स होता है लुढ़काना, उस गेंद को लुढ़काने के लिए वह अपने चारों पैरों का क्या करता था, प्रयोग करता था, किसके समान, चार पैरों वाले फुटबॉल के खिलाड़ी के समान। अब चार पैरों वाले फुटबॉल के खिलाड़ी कैसे हो जाएगा, का आदमी फुटबॉल कौन खेलता, आदमी खेलता है, आदमी का चार पैर होता है, नहीं ना, उसके दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, तो इसलिए दोनों पैरों से फुटबॉल मारता है, हाथों से मारता है, इसलिए जो है यहां पर चार पैरों की बात किया गया है, नहीं तो ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जिसका चार पैर होता है। बढ़िया, समझ में आया, आगे चलते हैं, आगे है, एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वह इसे फेंक सकता था विथ अ पावरफुल फ्लिक मीन्स एक शक्तिशाली झटके के साथ, फ्लिक मीन्स होता है झटका, एक शक्तिशाली झटके के साथ इसे फेंक सकता था, ऑफ द नेक मीन्स गर्दन से, अपनी गर्दन से एक शक्तिशाली जो है झोंके के साथ, झटके के साथ फेंक सकता था, टू अ सरप्राइजिंग हाइट मीन्स एक आश्चर्यजनक ऊंचाई तक फेंक सकता था, मीन्स जो फेंकता था बाल को एक आश्चर्यजनक ऊंचाई तक फेंकता था, एंड डिस्टेंस मीन्स दूरी, एक आश्चर्यजनक ऊंचाई ऊंचाई और दूरी तक वह क्या करता था, फेंकता था। बट द रियल प्ले, आगे चलते हैं, बट द रियल प्ले, लेकिन जो वास्तव में खेल था ऑफ एन आर्टर मीन्स एक उदबिलाव का, इज वेन ही लाइज ऑन हिज बैक, इसका जो वास्तविक खेल था तब था जो वह अपनी पीठ के बल पर क्या करता था, लेटता था, एंड जगल्स, जगल मीन्स होता है सुनियोजित करना या खेलना या फिर जो है बाजीगरी करना, तो एंड जगल्स और बाजीगरी करता था विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट मीन्स छोटे छोटे चीजों वस्तुओं से, बिटवीन हिज पाज मीन्स अपने पंजों के बीच में, अपने पंजों के बीच में छोटी छोटी प्रकार की वस्तुओं को रख करके वह जगल करता था मीन्स बाजीगरी करता था। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज मीन्स मार्बल मीन्स होते कंचे, कंचे मीन्स गोली, आप बचपन में खूब गोली वाली खेले थे, टना टन पिल्लूर बना करके खेलते थे ना, राजा रानी वाला खेलते थे जो जो है 10-15 गोली बीच में लगाया जाता था और पिल्लूरिया में बनाकर जो गोलियां खेलते थे वही गोली है यहाँ पर। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज, जो गोलियां थी जो कंचे थे मार्बल की सबसे पसंदीदा क्या थे, खिलौने थे। फॉर दिस पास्ट टाइम होता है मनोरंजन, जो है मिस के मनोरंजन के लिए ये गोलियां उसकी सबसे अच्छी क्या थी, खिलौने थे। पास्ट टाइम मीन्स होता है मनोरंजन के लिए। ही वुड लाइन लाइक, कैसे जो है गोलियां अच्छी जो है उसके लिए जो है मनोरंजन के साधन थी, कैसे, ही वुड लाई, वह लेट जाता था ऑन हिज बैक मीन्स अपनी पीठ के बल पर, वह अपनी पीठ के बल लेट जाता था। रोलिंग मीन्स हिलाता था टू आर मोर देम अप मीन्स दो से अधिक, एंड डाउन हिज वाइड मीन्स अपने जो है अपने पीठ के बल पे लेट जाता था और अपने ऊपर जो है दो तीन गोलियां वह क्या करता था, हिलाता था। एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट इवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, बिना फर्श पे एक को भी गिराए, बिना फर्श पे एक को गिराए वह अपनी पीठ के बल पर लेट करके क्या करता था, वह उन्हें घुमाता रहता था, उन गोलियों को अपने जो है सीने से लगा करके क्या करता रहता था, घुमाता रहता था, लेकिन कोई भी गोली नीचे गिरती नहीं थी, मीन्स कोई भी कंचा नीचे गिरता नहीं था, फर्श पर नीचे गिरता नहीं था। तो प्यारे बच्चे ये आपका था दूसरा था, अब हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ेंगे और सातवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों सातवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों, क्लास 10th के हर एक बच्चे तो वीडियो को आपको शेयर करना है जिन बच्चों की इसकी आवश्यकता है, जो बच्चे क्लास 10th में है, जो स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक हर एक बच्चे तक वीडियो को आप शेयर करोगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं हम लोग सातवें पैराग्राफ की तरफ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां पैराग्राफ क्या है।
दी डेज पास्ड, दिन क्या हो गए बीत गए, पास्ड पीसफुली एट बसरा, बसरा में जो दिन थे बड़े शांति से बीत गए, बड़े सुकून से, पीसफुली मीन्स एकदम शांति सुकून से, मीन्स बसरा में जो दिन थे अभी तक ये सारे दिन कहाँ बीत रहे हैं बसरा में, बसरा में जो दिन बीते बड़े शांति से क्या हो गए बीत गए, बट आई ड्रीडेड लेकिन मैं भयभीत था, दी प्रॉस्पेक्ट मीन्स इस विचार से आप दी ट्रांसपोर्टिंग मीन्स इसे ले जाने से, मिस टू इंग्लैंड मिस को इंग्लैंड ले जाने के विचार से मैं क्या था भयभीत था, मैं सोच रहा था अभी तो ये बसरा है इराक में बसरा में अभी है अभी तो ठीक है लेकिन हम ले कैसे जाएंगे इसे लंदन कैसे ले जाए इंग्लैंड कैसे ले जाएंगे एंड टू कैमुस्फेरना और इंग्लैंड के बाद हम उसे कैसे कैमुस्फेरना में ले जाएंगे, इस बात से वह क्या था भयभीत था चिंतित था परेशान था। कौन परेशान है ये राइटर, इस चैप्टर के राइटर परेशान है जो ये अटरवा को पाले हुए हैं, ठीक है। दी ब्रिटिश एयरलाइन, जो ब्रिटिश की एयरलाइन थी मिस वायान थी टू लंदन मिस लंदन जाने वाली वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, वह जानवरों को लेकर नहीं उड़ती थी, मिस जो ब्रिटिश एयरलाइन थी वह जानवरों को लेकर के नहीं उड़ती थी अर्थात जानवर उसे नहीं जा सकते थे। सो आई बुक, इसलिए हमने बुक किया अ फ्लाइट मीन्स एक उड़ान टू पेरिस ऑन अदर एयरलाइन, दूसरे वायान से, इसलिए मैंने दूसरे वायान से एक जो है हमने क्या बुक किया एक एरोप्लेन बुक किया, एक फ्लाइट मीन्स उड़ान बुक किया टू पेरिस मीन्स किसके लिए पेरिस के लिए बुक किया एंड फ्रॉम दियर टू लंदन, और पेरिस से हम कहाँ जाएंगे लंदन जाएंगे, और उस एयरलाइन से पेरिस से हम कहाँ जाएंगे लंदन जाएंगे। द एयरलाइन इंसिस्टेड, एयरलाइन के जो लोग थे उन्होंने आग्रह किया, क्या आग्रह किया दैट मिज शुड बी पैक्ड, कि मिज को हमें पैक करना होगा मीन्स बंद करना होगा इनटू अ बॉक्स मीन्स एक बॉक्स में बंद करना होगा नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, जो 18 इंच से ज़्यादा चौड़ा ना हो टू बी कैरीड, उसे ले जाया जा सकता है ऑन द फ्लोर एट माई फिट मीन्स जो मेरे पैर के पास जो फर्श होगी वहां पर रख करके उसे क्या किया जा सकता है ले जाया जा सकता है। मीन्स इस एयरलाइन में भी कंडीशन दे दिया गया कि जो है मिजविल को किस में आपको पैक करना होगा एक बॉक्स में पैक करना होगा और उस बॉक्स की जो स्क्वायर होगा मीन्स इंच कितनी होगा 18 इंच से ज़्यादा वर्गाकार वो बॉक्स जो होगा 18 इंच का जो है वर्गाकार होना चाहिए और जो है उसे आप जब एरोप्लेन में चढ़ोगे जब प्लेन में चढ़ोगे तो अपने पैर के पास रख करके ले जा सकते हैं, ऐसी कंडीशन दे दिया गया। आई हैड अ बॉक्स, ठीक है, आई हैड अ बॉक्स, मेरे पास एक बॉक्स था, आई हैड अ बॉक्स मेड, मेरे पास पहले से एक बॉक्स था एंड एन आवर बिफोर, एक घंटा पहले वी स्टार्टेड, हमने शुरू किया और एक घंटा पहले ही हमने क्या किया शुरू किया। आई पुट मिज, मैंने रखा मिज मीन्स मिज को मिस मिसबुल को इन टू दी बॉक्स मीन्स बॉक्स में, मैंने मिज को बॉक्स में रखा, एक घंटे पहले की बात हो रही है, मैंने एक घंटे पहले मिज को बॉक्स में रखा सो दैट ताकि ही वुड बिकम एक्स्टम्ड टू इट, वह इसका आदती बन जाए, मैंने एक घंटे पहले इसको मिज को उसमें रखा ताकि वह इसका आदती बन जाए, एक्स्टम्ड मीन्स होता आदती बनना, ताकि वह इसका आदती बन जाए एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और भोजन के लिए हमने वहाँ से तेजी से क्या कर दिए चल दिए, मीन्स उसे बॉक्स में पैक करके मिज को बॉक्स में पैक करके हमने वहीं पर छोड़ दिया एक घंटे पहले कहाँ की बात हो रही जो इनकी जहाज़ कितनी देर बाद होगी एक घंटे बाद होगी, तो जहाज़ के एक घंटे होने से पहले ही जहाज के समय के घंटे होने से पहले ही मिस को बॉक्स में पैक कर दिए ताकि उसे अनुभव हो जाए वह आदती हो जाए कस्टम नहीं होता आदती हो जाए किस तरह से उसे जाना है। तो प्यारे बच्चे ये आपका सातवां पैराग्राफ था, आठवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां पैराग्राफ क्या था है। When I returned, जब मैं वापस आया there was an appalling spectacle, appalling means होता है प्यारे बच्चे भयानक, appalling means होता है भयानक, spectacle means होता है दृश्य। When I returned, जब मैं वापस आया there was means वहां था and appalling spectacle means एक भयानक दृश्य था, means जब मैं खाना खा के वापस आया तो मैंने देखा एक भयानक दृश्य वहां देखा।
देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, वहां पर पूरी तरह से खामोशी थी, शांति थी। फ्रॉम द बॉक्स मीन्स बॉक्स में, बॉक्स में पूरी तरह से शांति खामोशी थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, लेकिन इसके हवा के छिद्रों में से, एयर होल्स मीन्स होता है हवा के छिद्र, लेकिन इसके हवा के छिद्रों में से, एंड चिंक्स और इसके दरारों में से, अराउंड द लिड मीन्स ढक्कन के आसपास जो इसकी दरारें थी, मीन्स इसका जो आवरण था, ब्लड हैड ट्रिकल्ड, उससे खून ने क्या कर दिया था, ट्रिकल्ड कर दिया था, मीन्स उससे खून का रिसाव हो रहा था। मीन्स इसके हवा के छिद्रों और इसकी दरारों में से खून का रिसाव हो रहा था। ट्रिकल्ड मीन्स होता है रिसाव होना, ब्लड मीन्स खून, ब्लड हैड ट्रिकल्ड मीन्स खून का रिसाव हो रहा था। एंड ड्राइड, और वह खून क्या हो चुका था, सूख भी चुका था, मीन्स खून का रिसाव भी हो रहा था, वह खून सूख भी चुका था। I wimped, मैंने जो है wimped off the lock, मैंने उस lock को क्या किया, wimped किया, means उसे जल्दी से खोला, means wimped means उठाना भी कह सकते हैं। मैंने उस lock को जल्दी से उठाया, and tore open the lid, और इसके ढक्कन को क्या किया, तोड़ दिया, अर्थात खोल दिया। and Midge, और मिज एग्जॉस्टेड पूरी तरह से थक चुका था, एग्जॉस्ट मीन्स होता है थकना, मिज पूरी तरह से थक चुका था। एंड ब्लड स्पैटर्ड, और खून से पूरी तरह से सना हुआ था, ब्लड स्पैटर्ड मीन्स होता है खून से सना हुआ होना, वह पूरी तरह से थक चुका था और खून से सना हुआ था। विम्पर्ड, रिरिया रहा था, विम्पर्ड मीन्स होता है रिरियाना, वह रिरिया रहा था, मीन्स रिरियाना मीन्स रोना कह सकते हो, विम्पर्ड मीन्स रिरिया रहा था। एंड कॉट एट माई लेग, और मेरे पैर के पास आकर के खड़ा हो गया, मीन्स इतना करने के बाद वह रिरियाते हुए मेरे पैर के पास आके खड़ा हो गया, मीन्स उसमें जो हवा लेने के लिए जो छिद्र किया गया होगा, तो वह उन छिद्रों से निकलने का प्रयास कर रहा होगा। जब प्रयास कर रहा होगा तो जाहिर सी बात होगा कोई धातु का, मेटल का जो है बॉक्स था, तो उसमें से इतना ज़्यादा उसे चोट लगी हुई होगी, तो जिससे ब्लड निकलने लगा था, तो अब इसके पैरों के पास आकर के खड़ा हो जाता है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। He had torn the lining of the box. He had torn, उसने तोड़ दिया the lining of the box. Lining means होता है आवरण या दीवार। उसने बॉक्स की दीवार को तोड़ दिया, कतर दिया, shred means होता है कतरना। उसने बॉक्स की दीवार को कतर दिया या फिर तोड़ दिया। When I removed the last of it, जब मैंने इसके अंतिम भाग को हटाया, so that ताकि there were no cutting edge left, जैसे कोई भी कटिंग मीन्स काटने वाला छिद्र जो है किनारा ना बचा हो। It was just 10 minutes, तब केवल 10 मिनट बचे हुए थे, until the time of flight, means उड़ान के, flight means उड़ान, उड़ान के समय में तब केवल कितने मिनट बचा हुआ था, 10 मिनट का समय बचा हुआ था, means ये सब करने में उड़ान के लिए कितना मिनट का समय बचा हुआ था, 10 मिनट का केवल समय बचा हुआ था। And the airport was 5 miles distant, और जो एयरपोर्ट था वह 5 मील की दूरी पर था, मीन्स 10 मिनट केवल उड़ान में समय बचा हुआ था, और जो एयरपोर्ट से इसकी दूरी अभी था वो कितनी थी, 5 मील की दूरी थी। अब 5 मील मतलब समझ रहे हो, ये 7-8 किलोमीटर के आसपास है, 10 मिनट में 7-8 किलोमीटर कवर करना है, और 10 मिनट पहुंचना भी है एरोप्लेन जहाज में, क्या करना है, पहुंचना भी है, तो वही बात यहां पर है। I put the miserable, मैंने रखा, the miserable means उस दयनीय, मिज मीन्स मिज को, मैंने उस दयनीय, क्योंकि उससे ब्लड व्लड निकल रहा है, खून मिस चोट वोट लग गई है, मैंने उस दयनीय मिज को रखा, back into the box means दोबारा पुनः बॉक्स में रख दिया, मीन्स दोबारा पुनः मैंने बॉक्स में रख दिया। होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड, और मैंने पकड़ा रहा ढक्कन को, मैंने हाथ से क्या किया रहा, पकड़ा रहा, मीन्स उसे उसी में रख करके उसके ढक्कन को मैंने हाथ से पकड़ा, क्योंकि ताला तो तोड़ चुका था, ढक्कन बंद नहीं था, तो जो है ढक्कन बंद नहीं था, तो मैंने हाथ से ही ढक्कन को क्या किया हुआ था, पकड़ा हुआ था। ए पैराग्राफ आपका 8वां पैराग्राफ था। 9वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, धनाधन हम लोग 9वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ई पैराग्राफ में बहुत ही मजा आने वाला है प्यारे बच्चों, बस एकदम ध्यान से सुनना, ई पैराग्राफ में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, और एकदम मस्ती से पढ़ो, तनिको कोनो सीरियस ना हो, ठीक है, सीरियस तो होगे तो हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, इसलिए एकदम हंसते वाले मूड में रहा करो, कब 2 घंटा बीत जाएगा क्लास करते करते ना, पता नहीं चलेगा।
ठीक है, बस एकदम वर्ड मीनिंग लिखा करो, वर्ड मीनिंग लिख लिया करो, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगा। आगे चलते हैं। आई सैट इन दी बैक ऑफ दी कार, मैं कार के पीछे बैठा। अब भैया ये लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, 10 मिनट बचा हुआ है। आई सैट इन दी बैक ऑफ दी कार, मैं कार के पीछे बैठा। विद दी बॉक्स, मीन्स इस बॉक्स के साथ। बिसाइड मी, और मेरे बगल में। एज दी ड्राइवर टोर थ्रू दी स्ट्रीट, सड़कों को चीरते हुए चल रहा था। टोर मीन्स चीरना, मीन्स ड्राइवर इतना तेज चल रहा था, सड़कों के चीरते हुए चल रहा था। आप बसरा बसरा की, लाइक अ रॉकेटिंग बुलेट, मीन्स जो है रॉकेट की तरफ निकलने वाली गोली के समान, रॉकेट की तरफ निकलने वाली गोली के समान वह सड़कों को चीरते हुए क्या कर रहा था, चल रहा था। कौन? ड्राइवर। द एयरक्राफ्ट, जो वायान था, एयरक्राफ्ट नहीं होता है, वायान। द एयरक्राफ्ट वायान वाज वेटिंग, इंतजार कर रहा था टू टेक ऑफ, मीन्स निकलने की, उड़ने की, मीन्स वायान उड़ने का इंतजार कर रहा था। आई वॉज रश्ड, मैं तेजी से भागा। थ्रू टू इट, मीन्स पास कराते हुए, मीन्स भाई किसी, आप जाओगे कोई प्लेन पकड़ने जाओगे तो पहले आपका कागज होगा चेक होता है ना, तो वही मैंने। आई रश्ड थ्रू इट टू बाई इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल्स, इन्फ्यूरेटेड मीन्स होता है क्रुद्ध, ऑफिशियल मीन्स ऑफिस के लोग, मीन्स क्रुद्ध ऑफिस के लोगों से जल्दी से, हमने जल्दी से पारित कराते हुए, अपने डॉक्यूमेंट को चेक कराते हुए मैंने तेजी से भागा, मीन्स दौड़ा। लकली संयोगवश दी सीट बुक्ड फॉर मी, जो सीट मेरे लिए बुक थी वाज एट दी एक्सट्रीम फ्रंट, वह एकदम सामने ही थी, मीन्स जो मैंने सीट बुक किया हुआ था, संयोग से वह सीट मेरे सामने ही थी, एकदम आगे थी। आई कवर दी फ्लोर, मैंने उस फ्लोर मीन्स फर्श को, कवर्ड मीन्स ढक दिया। अराउंड माई फिट, मेरे पैरों के पास, मेरे पैर के पास जो वहाँ पर फर्श था उसको मैंने ढक दिया। विथ न्यूज़पेपर्स, किससे ढक दिया, अखबार से ढक दिया, पेपर से हमने उसको ढक दिया। और इतना करने के बाद रैंग मीन्स बजाया, घंटी बजाया। फॉर दी एयर होस्टेस, मीन्स एयर होस्टेस के लिए मैंने घंटी बजाया। आप भैया एयर होस्टेस कौन होता है, वो जो जहाजिया में जब आप चढ़ोगे ना, सुंदर सुंदर लड़कियां वहां होती हैं, उन लड़कियां आपकी सेवा के लिए होती हैं, मतलब आपको कौन समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, उसके लिए आप उन्हें एयर होस्टेस को बुला लीजिए, ठीक है। आप लोग हो तो जो है वो एयर होस्टेस वक्त देखने के लिए चढ़ोगे उसमें, इसीलिए उसका किराया महंगा कर दिया गया, जान रहा था कि तुम लोग का सोचते हो, ठीक है। तो का किया गया, हाँ उसने क्या किया, रैंग फॉर दी एयर होस्टेस, एयर होस्टेस को घंटी करके बुलाया। एंड गेव हर अ पार्सल, उसने दिया अ पार्सल, मीन्स एक पार्सल दिया, ऑफिस मीन्स मछली का एक पार्सल दिया। फॉर मीज, मीन्स वो मछलियाँ किसके लिए रखा हुआ था, उसने किसके लिए रखा हुआ था, मछली स्वयं तो खाएगा नहीं जो है प्लेनिया में, किसके लिए रखा हुआ था, इस मिज के लिए रखा हुआ था ना, तो मिज के लिए जो उसने मछली रखा हुआ था उसने उस एयर हॉस्टेस को दिया। टू कीप, मीन्स रखने के लिए ना, कूल प्लेस मीन्स ठंडे स्थान पे रखने के लिए उसने जो है क्या दिया, एक पार्सल दिया, जिसमें मछली था, मछली का पार्सल उस जो है एयर हॉस्टेस को दिया। अब आगे देखो, एयर हॉस्टेस के साथ उसकी बात देखो। आई टुक, मैंने लिया हर, मीन्स उसे, मैंने उसे लिया, अरे अपने बाहों में नहीं लिया, देखो कहाँ कैसे लिया। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसे अपने विश्वास में लिया, बाहों में नहीं विश्वास में, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, और विश्वास बनाने के बाद ही बाहों में ले सकते हो, ठीक है। आई टू की हर, मैंने उसको लिया, इन टू माई कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास में लिया। अबाउट द इवेंट्स, घटनाओं के बारे में, ऑफ द लास्ट हाफ आवर, आधे घंटे में जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में बता करके मैंने उसे अपने विश्वास में लिया। आई हैव रिटेन्ड, मैंने बनाए रखा द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। आई रिटेन्ड, मैंने बनाए रखा द मोस्ट प्रोफाउंड मीन्स अत्यधिक, प्रोफाउंड मीन्स अथाह, एडमायरेशन मीन्स प्रशंसा, मैंने उसकी अथाह प्रशंसा की। फॉर दैट एयर होस्टेस, उस एयर होस्टेस की मैंने, उस एयर होस्टेस की खूब प्रशंसा किया, मतलब राइटर वह कम नहीं है, खूब प्रशंसा कर रहा। देखो,
सी वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। अब क्या प्रशंसा करके कह रहा है, सी वाज द वेरी क्वीन, वह एक रानी की तरह है, ऑफ हर काइंड मीन्स अपने प्रकार की, वह अपने प्रकार की एक रानी के स्वरूप में है, मीन्स एक रानी है। देखो लड़की को चढ़ा दिया, अब चढ़ा दिया तो गुब्बारा होकर के फूल गई होगी, मतलब झूठुमा ही कर दिया, भवकाल बना दिया, उसकी तारीफ इतना कर दिया, तो लड़किया से जोनू काम करवाना चाहोगे ना, कुले कमुआ हो जाएगा अगर वो खुश है तो। ठीक है, आगे देखो क्या होता है आगे। सी सजेस्टेड, उसने मुझे सलाह दिया, दैट आई माइट प्रीफर, कि मैं प्रीफर करूं टू हैव माय पेट ऑन माय नी, कि मैं जो है इस पालतू को अपने नी पर रख लूं, घुटनों पर रख लूं। उसने मुझे सलाह दिया कि आप इस पालतू ऑटर को अपने घुटनों पर रख लो। एंड आई कुड है, आई सुनो सुनो अगवा सुनो, एंड आई कुड हैव किस्ड, हमने चुम्मा लिया, कहां, हर हैंड मीन्स उसके हथवा पर, इन दी डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, अपनी पूरी कृतज्ञता के साथ। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता, अपनी पूरी कृतज्ञता के साथ मैंने उसके हाथ को चूमा, मतलब किस किया। अभी अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज लोग ही कुल करते हैं हाथ पे किस करना, गाल पे किस करना, ये उनका नमस्कार करने का तरीका है। हमारा नमस्कार तो जय श्री राम से शुरू होता है, लेकिन उनका नमस्कार चुम्मा चाटी से शुरू होता है। तो बताओ हम लोग सही है कि अंग्रेज सही है, तो हम लोग सही है ना। हाँ ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चा लोग सोच रहे होंगे, नहीं सर जी वही लोग सही है, वही वही में हम होते तो हम सही होते। ठीक है, तो बच्चा लोग ऐसा नहीं है, हम ही लोग बहुत सही हैं, इस बात को मान लिया करो। आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, मैंने पूरी कृतज्ञता के साथ उसके हाथ को किस किया, बट नॉट नोइंग अटर्स, लेकिन मुझे नहीं पता था अटर्स के बारे में, मीन्स किसके बारे में, अटर्स मीन्स उद्बिलाव के बारे में मुझे नहीं पता था। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था फॉर वाट फॉलोड, जो होने वाला था, जो होने वाला था उस अटर के प्रति, मैं उसके प्रति बिल्कुल तैयार नहीं था। अब तैयार कैसे ससुराल होगा, ये तो तैयार तो हो रहा था, वो अटर को कहा कर निकले, ये अगर एयर हॉस्टेसवा कह देती तो एयर हॉस्टेसवा के लिए वाके चला जाता, ये अटर को क्या ख्याल रखेगा उसके लिए, ये तो अभी तो एयर हॉस्टेस के चक्कर में पड़ गया, उसे पटाने के चक्कर में। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं क्या हुआ। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, झटके के साथ मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, मिज बॉक्स में से बाहर निकल गया, इन अ फ्लैश मीन्स एक झटके के साथ, एक झटके के साथ मिज जो है उस बॉक्स में से बाहर निकल गया। ही डिसअपीयर्ड, वह गायब हो गया, एट अ हाई स्पीड, तेज गति के साथ, डाउन द एयरक्राफ्ट मीन्स वाइवान में, वाइवान में वह तेज गति के साथ क्या हो गया, गायब हो गया। दियर वर स्क्वैक्स एंड श्रिक्स, वहाँ चीख और चिल्लाहट की आवाज़ आने लगी, चीखने और चिल्लाने, स्क्वैक्स एंड श्रिक्स में होता है चीखने चिल्लाने, वहाँ पर चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। एंड अ वूमेन, और एक स्त्री स्टूड अप, खड़ी हुई, ऑन हर सीट मीन्स अपने सीट पर खड़ी हुई, स्क्रीमिंग आउट चिल्लाते हुए, वो स्त्री है वो मेररुआ चिल्लाते हुए खड़ी हुई, कैसे कहा करी, आ राइट राइट राइट, मतलब चूहा चूहा कर रही है, इस अटरवा को चूहा चूहा कर रही है। आई कॉट साइट, मैंने देखा, मिज स्टेल मीन्स मिज की पूछ को, डिसअपीयरिंग जो गायब हो रही थी, बीनीथ द लेक ऑफ मिस, एक पैर के नीचे आप पोटली मीन्स एक मोटे भारी भरकम, वाइट टर्बन मीन्स सफेद टर्बन पहने हुए, पगड़ी पहने हुए इंडियन मीन्स भारतीय, एक सफेद पगड़ी पहने हुए भारतीय के पैरों के नीचे मैंने उस मिज को देखा, गायब होते हुए देखा। डाइविंग फॉर इट, डाइविंग मीन्स होता है कूदना, डाइविंग फॉर इट, और मैं उसे पकड़ने के लिए कूदा वहां पर। आई मिस, लेकिन मैं मिस कर दिया, बट फाउंड, लेकिन मैंने पाया, माई फेस कवर्ड इन करी, मैंने क्या पाया, मेरा चेहरा करी में पूरी तरह से ढक गया, मीन्स हमारे चेहरवा पे क्या लग गया, करी लग गया। करी ये खाने का जो है व्यंजन होता है, खाने वाली चीज होती है, और लपका नीचो, लपका नीचो हो सकता है, करी उरी रखी हो, और इसका मुंहा पूरा करीवा में चला गया। ठीक है, अब इसमें तो अभी तो नौटंकी बन गया होगा बेचारा, आगे देखते हैं, कुल इसको चिढ़ा भी रहे होंगे। परहैप्स शायद, सेड द एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस देखो अब पहुंच गया, पहुंच गई। परहैप्स शायद, सेड द एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस ने कहा, विथ मोस्ट चार्मिंग स्माइल, मीन्स अपनी सबसे चार्मिंग मीन्स आकर्षक स्माइल मीन्स मुस्कान,
अपने सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ उसने कहा। कौन कहा? एयर हॉस्टेस ने कहा। कहा कही? इट वुड बी बेटर, यह अच्छा होगा, इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट, यदि आप अपने सीट पे बैठ जाएं तो यह अच्छा होगा। एंड आई विल फाइंड, और मैं खोजती हूँ, द एनिमल मीन्स जानवर को, एंड ब्रिंग इट टू यू, और इसे ला करके तुम्हें दे दूंगी, मीन्स आपको दे दूंगी। मतलब एकदम मुस्कान के साथ, आकर्षक वाली मुस्कान है, एकदम कातिलाना वाली मुस्कान के साथ कहती है, क्या कहती है कि तो हम तुम अपने जा करके सीट पे क्या कर जाओ, बैठ जाओ, और जो है हम तुमको खोज करके क्या करते हैं, लाते हैं और उसको दे देंगे। ए प्यार बच्चों आपका, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आगे क्या है। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर वापस चला गया। मतलब जैसे वो कही, वो एयर हॉस्टेसवा ने जैसे कही वैसे हम जा करके अपनी सीट पर क्या कर गए, बैठ गए। आई वॉज क्रेनिंग, लेकिन फिर भी मैं उठा रहा था, क्रेनिंग मीन्स उठाना, माई नेक मीन्स अपनी गर्दन को, लेकिन फिर भी मैं अपनी गर्दन को उठा रहा था। ट्राइंग टू फॉलो द हंट, उस शिकारी के पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। When suddenly, तभी अचानक, I heard, मैंने सुना, from my feet, मैंने अपने पैरों के पास सुना, a distressed miss, एक निराश, चीटर मिस चित्कार, एक निराश चित्कार सुना, of recognition मिस पहचान की, and welcome मिस स्वागत, पहचान और स्वागत की एक निराश चित्कार मैंने सुना। एंड मिज बाउंडेड, और मिज ने छलांग लगाई, on to my knee मिस मेरे घुटने पर, और मिज मेरे घुटने पर क्या कर दिया, छलांग लगाया। एंड बिगेन टू नजल, और उसने अपनी नाक को सटाना शुरू कर दिया, माई फेस मिस मेरे चेहरे से, एंड माई नेक मिस मेरे गर्दन से। और उसने अपनी नाक को मेरे चेहरे और गर्दन से क्या करना शुरू कर दिया, सटाना शुरू कर दिया, मीन्स ये उसका प्यार दिखाने का क्या था, तरीका था। ठीक है, तो ये हुआ। अब आगे देखो, इस फिगर में देखो इसी वाइट टर्बन की बात किया गया है, इसी वाइट टर्बन की बात किया गया। देखो मोटू सा आदमी है ना, पेटवा देखो तोदू सा निकला हुआ है, इस मोटू का अदमिया का पेटवा तोदू सा निकला हुआ है, और इसके अगवा देख रहे होगे, ये का बैठा हुआ है, ये अटर बैठा हुआ है, मींस उदबिलाव बैठा हुआ है। यहीं पर पकड़ रहा था, देखो सभी एकदम भयभीत हो गए हैं, और देखो उस एयर हॉस्टेसवा को देखो, खड़ी है आधा अधूरा कपड़ा पहन के, देख रहे होगे ना, बाल उड़ रहा है, आधा अधूरा कपड़ा पहने हुई है, तो बताओ लहरिया नहीं जाएगा, ये जो है कुछ बतिया से ले रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और देखो पीछे जितने लोग हैं कुल एकदम भयभीत हो गए हैं, एक तरफा ही कुल भयभीत हो गए हैं। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ये चौथे सेक्शन में हम लोग पहुंच चुके हैं, चौथे आपका लास्ट सेक्शन है, चौथे सेक्शन में पहुंच गए हुए हैं, इसमें तीन पैराग्राफ है, तो जल्दी से तीनों पैराग्राफ को हम लोग समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग चौथे सेक्शन में 11 नंबर पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, 11वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने किताब से मिलाते रहिए, आप अपनी किताब से मिलाते चलिए, और इस बात को जरूर ध्यान रखिए प्यारे बच्चे, आपको उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना है जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी कोचिंग के हों, स्कूल के हों, कहीं के भी आपके साथी यार हों, सभी बच्चों में आपको इस वीडियो को शेयर करना है प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे सेक्शन में, आपको 11वां पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। After means बाद में, an eventful journey means इस eventful journey के बाद, इस घटनाक्रम यात्रा के बाद, Maxwell and his utter, Maxwell और उसका utter means उसका उदबिलाव, reach London means London पहुंच गया, where he has a flat, जहां पर उसका एक मकान था, flat means मकान, जहां पर उसका एक क्या था, मकान था। आगे देखते हैं, मिस एंड आई रिमेंड, मिस और मैं रहा इन लंडन, लंडन में, फॉर नियरली अ मंथ मिस लगभग एक महीने, मिस और मैं लंडन में लगभग एक महीने रहा। ही वुड प्ले फॉर आवर्स, वह घंटों तक खेलता रहता था, विथ अ सेलेक्शन ऑफ टॉयज, एक निश्चित खिलौनों के साथ वह खेलता रहता था। कौन कौन सा सेलेक्शन उसने किया था टॉयज में, पिंग पोंग बॉल्स थी, पिंग पोंग बॉल्स, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस की बॉल थी, पिंग पोंग बॉल्स थी, मार्बल्स, कंचे थे, मार्बल मीन्स हमने आपको बताया, कंचों से खेलता था, रबर फ्रूट मीन्स रबर का फल था, रबर का फल नहीं, जैसे शादी विवाह में नहीं होता है, जो शोपीस फला नहीं होता है,
तो वही है, रबर का फल था एंड अ टेरोपीन सेल। टेरोपीन मीन्स होता है कछुए की खाल, और कछुए की खाल थी दैट आई हैड ब्रॉट, जिसे हमने लाया था बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, उसके मातृभूमि के दलदल से, जिसे मैंने उसके मातृभूमि के मार्सेस से लाया था। नेटिव मीन्स मातृभूमि, मार्सेस मीन्स होता है दलदल, जिसे उसके मातृभूमि के दलदल से हमने क्या किया हुआ था, लाया था। विद द पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल के साथ ही इन्वेंटेड अ गेम, उसने एक गेम मीन्स खेल का आविष्कार किया, ऑफ हिज ओन मीन्स अपने स्वयं के प्रकार का, अपने स्वयं के प्रकार का उसने एक गेम का खेल का आविष्कार किया, विच कुड कीप हिम इनग्रॉस्ड, जो उसमें वह बिजी रहता था, इनग्रॉस्ड मीन्स व्यस्त रखता था, फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम, मीन्स एक समय आधे घंटे तो वह उसे क्या रखता था, व्यस्त रखता था। मीन्स पिंग पोंग बॉल के साथ उसने एक जो है स्वयं का एक ऐसा खेल आविष्कार किया हुआ था जो उसे कम से कम आधे घंटे क्या करता था, व्यस्त रखता था। आगे देखते हैं, अ सूट केस, एक सूट केस दैट आई हैड टेकन टू इराक, जिसे हम कहाँ लेके गए थे, इराक लेके गए थे। एक सूट केस जिसे हमने इराक लेके गए थे हैड बीकेम डैमेज्ड, वह पूरी तरह से क्या हो गया था, खराब हो गया था। ऑन दी जर्नी होम मीन्स जब हम घर की तरफ यात्रा कर रहे थे तो वह उस समय यात्रा में पूरी तरह से खराब हो गया था। सो दैट दी लिड, इसलिए उसका ढक्कन वेन क्लोज जब बंद होता था रिमेन्ड एट अ स्लोप, एक तरफ ढलान बन जाता था फ्रॉम वन एंड टू दी अटर, मीन्स अटर के लिए उस उदबिलाव की तरह लिए एक तरफ क्या बन जाता था, ढलान बन जाता था। मिज डिस्कवर्ड, मिज ने खोज निकाला, डिस्कवर मीन्स खोज निकालना, दैट इफ ही प्लेस दी बॉल, यदि वह बॉल को रखता ऑन दी हाई एंड मीन्स ऊपरी सिरे की तरफ, मिज ने खोज निकाला था कि यदि वह ऊपरी सिरा की तरफ एक बाल को रखता इट वुड रन डाउन टू दी लेंथ ऑफ दी सूटकेस, तो यह सूटकेस की पूरी लंबाई में क्या करता था, दौड़ता था, चला जाता था। मीन्स एक तरफ अगर कोई ऊंचा क्षेत्र है, ऊंचे क्षेत्र की तरफ बाल रखेंगे तो दूसरे नीचे क्षेत्र की तरफ बाल आ जाएगी ना, तो वही करा, पूरे सूटकेस की लंबाई को वह बाल तब तय करती थी। ही वुड डैश, तो वह तेजी से दौड़ता था अराउंड टू दी अदर एंड, दूसरे कोने पर तेजी से दौड़ता था, मीन्स जिस ऊंचाई वाले कोने पर वह बॉल रखा हुआ था होता था, जिस दूसरे छोर पर वह बॉल जाती थी वह उस दूसरे छोर पर वह तेजी से दौड़ता था। टू एम्ब्यूस मीन्स घात लगाए रहता था इट्स अराइवल, मीन्स इसके इस बाल के आगमन के लिए, इस बाल के आगमन के लिए घात लगा करके बैठा हुआ होता था। हाइड फ्रॉम इट मीन्स उसे छुपा हुआ होता था, क्राउचिंग मीन्स छिप करके बैठा हुआ होता था, टू स्प्रिंग अप मीन्स छलांग मारता था एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और आश्चर्य से उस बाल को पकड़ लेता था, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य से पकड़ लेता था, ग्रैब इट पकड़ता कैसे था, झपट्टा मार के पकड़ता था, एंड ट्रॉट ऑफ, ट्रॉट ऑफ मीन्स भाग जाता था, विथ इट टू दी हाई एंड इसके साथ पुनः भाग जाता था, वंस मोर मीन्स एक बार पुनः जो है ऊंचाई वाले क्षेत्र की तरफ क्या कर जाता था, भाग जाता था, मीन्स वह ऊंचाई वाले क्षेत्र से नीचे वाले क्षेत्र की तरफ बाल जो गिराता था, जब गिराने के बाद तुरंत दूसरे छोर पर पहुंच जाता था जहां बाल गिर रही होती है, वहां पर एकदम छिप करके बैठ जाता था, जैसे बाल पहुंचती थी तुरंत झपट्टा मार करके उसे पकड़ लेता था, जिसे ये वह इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे कोई शिकार नहीं होता, जैसे झपट्टा करके पकड़ते हैं वह उसी तरह से बाल से इस तरह से क्या कर रहा था, खेल रहा था, और जब बाल पा जाता था फिर दोबारा वही काम करता था, ऊंचाई वाले क्षेत्र की तरफ जाता था फिर गिराता था, वहां से फिर भाग करके आता था, फिर वही वह काम करने लगता था। ये पैराग्राफ आपका 12वां पैराग्राफ था। अब दो पैराग्राफ और बचे हुए हैं, कुल मिलाकर के 20 या 25 में 20 मिनट के लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे 12वें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, तो जल्दी से देखते हैं आपका 12वां पैराग्राफ क्या है। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर एक्सरसाइज हमने व्यायाम के लिए लेके जाते थे, हिम ऑन अ लीड मीन्स ले जाना, हम घर के बाहर उसे अभ्यास कराने के लिए, व्यायाम कराने के लिए घर के बाहर ले जाते थे। प्रिसाइजली मीन्स शुद्ध रूप से, अस्पष्ट रूप से एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, मीन्स उसी तरह ले जाते थे जैसा कि कोई कुत्ता हो, मीन्स मैं उसे घर के बाहर व्यायाम करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही लेके जाते थे जैसा कि कोई कुत्ता हो, जैसे वह अपने डॉग को लेके जाता था वैसे जो है मिस को भी लेके जाता है।
और ये बड़वाल लोग हैं ना, बड़वाल लोग कुत्ता पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, ये जो है ऑटर पालेंगे, ये बड़वाल लोग को चोचले हैं। हम लोग तो ऐसे इंसान होते हैं, अपना एक ही गाय पाल लेंगे जिससे दूध दूध मिले, और भैंस पाल लेंगे जिससे दूध दूध का काम चल जाए। इसे कहते हैं एकदम ढंग वाला आदमी। ये गाय जो है ये आटर पाल करके कुत्ता, ये कौन सा दूध देने वाला है, आटर कुत्ता कौन सा दूध देने वाला है। तो इसलिए हमें कौन सा चीज़ पालना चाहिए, गाय वाय पालना चाहिए जिससे जो है दूध वो मिल जाए, अपना कमो हो जाए। और सेवा करना है तो गैया को रोज पूछ पकड़ करके सेवा किया करो, उसकी पूछिया करो, सोहराया करो, सोहराओगे तो उसका बहुत सेवा करोगे, तो ये काम कर लिया करो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे है ये बड़े लोग के चोचले हैं, ठीक है, उनके 25 चोचले होते हैं। वो जैसे खाना खाते हैं ना चम्मच से खाना खाते हैं, हम लोग ससुरा हाथ में एकदम पकड़ पकड़ के खाते हैं दमदारी से, और जो चम्मच में खाते हैं ससुरा कैसा पेट भरता होगा हमको यही नहीं पता होता है। आगे चलते हैं, हाँ, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो घरवा पे एकदम हाथ से ठूस ठूस के खाते हैं, और सदिया विवाह में जब जाएंगे ना कहेंगे हम बिना चम्मच के खाते नहीं हैं, जरा घरा पे खा रहे हैं, मुंह भर भर के खा रहे हैं, वहाँ जाकर के कहते हैं चम्मच बिना खाएंगे ही नहीं। कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ फर्जी बोलते हैं। और लड़की लोग तो इसमें एकदम माहिर होती हैं, लड़की लोग तो झूठ बोलने में दिखाने में तो एकदम माहिर होती हैं। तो भैया समझ जाना बालक लोग समझ जाना, आपके साथ बहुत ही धोखा हो सकता है। जैसे धोखा एक यही होता है ना, जैसे ब्याह किसी का होता है, इतना ब्याह में लड़की लोग सच की आती हैं, जिसने जो है अगर ब्याह में किसी लड़की को आपने पसंद कर लिया ना, तो समझ लो अगर दूसरे दिन देखोगे ना वो वही लड़की नहीं होगा, इतना ज़्यादा मेकअप लगाई हुई होगी, देखने में उस समय तो सरिया राय लगेगी, लेकिन जो है जब बाद में लिया करके आओगे ना तो प्रियंका चोपड़ा बन जाएगी। तो समझ जाओ, तो इसलिए जो है हाँ, तो समझ जाए और करो, आप लोग बड़े हो जाना तो हमारी बात याद रखना। आगे चलते हैं, मीज क्विकली डेवलप्ड, मीज ने जो है क्विकली मीन्स जल्दी से, डेवलप्ड मीन्स विकास कर लिया, सर्टी मीन्स निश्चित, कंपल्सी मीन्स अनिवार्य, उसने निश्चित अनिवार्य जो है हैबिट्स मीन्स आदत डेवलप कर लिया, निश्चित अनिवार्य आदत उसने डेवलप कर लिया। ऑन दीज वॉक्स इन दी लंदन स्ट्रीट, लंदन की सड़कों पर टहलने का उसने कुछ अनिवार्य आदत डेवलप कर ली, जो लंदन के सड़कों पर उसे लेके जाते थे। किस लिए लेके जाते थे, जैसे कुत्ते को टहलाते हैं उस तरह से उसे भी टहलाने के लिए लेके जाते थे। तो उसने कुछ अनिवार्य आदत जो है अपनी बना ली हुई थी सड़क पे चलने से, कौन कौन सी अनिवार्य आदत थी, लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रेन, जैसे बच्चों के समान वह क्या करने लगा था, हु ऑन दियर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जो बच्चे स्कूल से आते जाते करते थे, मस्ट प्लेस दियर फीट, वे अपने पैरों को रखते थे, स्क्वायरली मीन्स चौकोर, ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, पेविंग ब्लॉक के प्रत्येक के बीच में वे अपने पैरों को क्या करते थे, रखते थे। उसी तरह यह भी अपने पैरों को क्या करने लगा था, रखने लगा था। प्यार जो ये पेविंग ब्लॉक क्या होता है, पेविंग ब्लॉक होता है जैसे कोई ईट उट लगाया गया है, और एक खास करके नगर पालिका के ईटों के साथ होता है, तो एक एक रंग के लगाए हुए होते हैं, उसमें तीन चार रंग होते हैं, और बड़े बड़े शहरों में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब तीन चार रंग के होंगे तो वह जो एक रंग का होता था, एक रंग से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक रंग वाले पे चलता है फिर दूसरे रंग पे चलता है, इस तरह से चलता है, पेविंग ब्लॉक उसे बोलते हैं। आगे है, मस्ट टच अवश्य स्पर्श करता था एवरी सेवंथ अपराइट, और किसको स्पर्श करता था अवश्य, सातवीं अपराइट मीन्स सामने वाले आयरन रेलिंग्स मीन्स आयरन की लोहे की छड़ को स्पर्श करता था, मीन्स हर सातवीं सामने जो लोहे की छड़ पड़ती थी उसको वह स्पर्श करता था। जैसे कुछ बच्चे शरारती नहीं होते हैं, शुरुआत में जाते हैं इसे सड़क पे मौज मस्ती से करते हुए जाते हैं, तो वह भी इसकी भी आदत बन गई थी, सातवीं छड़ को इसे क्या करना होता था, स्पर्श करना था, तो लोहे की छड़ को स्पर्श करता था। आर पास या फिर गुजरता था टू दी आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प, मीन्स प्रत्येक दूसरे लैम्प के पास, लैम्प पे पोस्ट के पास से होकर के यह क्या करता था, गुजरता था, या फिर प्रत्येक दूसरे लैम्प पोस्ट के पास से होकर के यह क्या करता था, गुजरता था, ये उसकी आदत बन गई थी। आगे चलते हैं, अपोजिट टू माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के सामने, मीन्स विपरीत मीन्स सामने, मेरे फ्लैट के सामने वाज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल, एक मंजिला प्राइमरी का स्कूल था, मेरे घर के सामने एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था, एलांग हुज फ्रंटेज, जिसके सामने रेन अ लो वॉल,
एक छोटी नीची दीवार जा होकर के जाती थी, सम 2 फीट हाई, कुछ 2 फीट ऊंचाई की, और उसके सामने से कुछ 2 फीट की ऊंचाई की एक दीवार जाती थी। ऑन हिज वे होम, जब वह घर की तरफ जाता था, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, लेकिन कभी भी वहां से निकलता नहीं था। मिज वुड टग मी टू हिज वॉल, मीन्स मिज मुझे खींच ले जाता था, टग मीन्स होता है खींचना, मिज मुझे खींच ले जाता था टू दिस वॉल, मीन्स इस दीवार के पास, इस दीवार के पास जो 2 फुट की प्राइमरी की दीवार थी, इसके पास वह मुझे खींच ले जाता था। जंप ऑन टू इट, और इस पर कूद जाता था, इस 2 फीट की दीवार जो थी उस पर वह कूद जाता था। एंड गैलोप, गैलोप मीन्स होता तेजी से दौड़ना, एंड गैलोप और तेजी से दौड़ता था, दी फुल लेंथ मीन्स पूरी लंबाई, ऑफ इट्स 30 yards, जो इसकी 30 yard की पूरी दूरी थी, लंबाई थी, उस पर वह क्या करता था, तेजी से दौड़ता था। टू दी होपलेस डिस्ट्रैक्शन, होपलेस मीन्स होता है निराशाजनक, डिस्ट्रैक्शन मीन्स होता है व्याकुलता, बोथ मीन्स दोनों, आप पीपल्स मीन्स विद्यार्थियों की, एंड ऑफ स्टाफ मीन्स कर्मचारियों की, विद इन मीन्स इसके अंदर, मीन्स जो है इसका अर्थ हो जाएगा कि वह जो है इन विद्यार्थियों और स्टाफ से ध्यान हटा करके अपने कर्मचारियों की निराशाजनक व्याकुलता के भीतर 30 गज की लंबाई पर क्या करता था, दौड़ता था। मीन सिंपल सी बात है, वह इन डिस्ट्रैक्शन जो होपलेस हुआ करते थे, जो वहाँ पर पीपल्स थे मीन्स विद्यार्थी थे, और जो कर्मचारी थे जो होपलेस होकर के वहाँ पर बैठे हुए थे, मीन्स व्याकुलता के साथ जो उनका ध्यान भंग था, वह उनको ध्यान बिना दिए बिना वह उनमें क्या करता था, उनके 30 गज की जो उनकी 30 yard मीन्स 30 गज की जो उनकी दूरी थी, लंबाई थी उसकी दीवार की, वह उसे क्या करता था, वहाँ पर तेजी से दौड़ता था। तो प्यारे बच्चे ये हो गया 12वां पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से हम लोग अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, एकदम ध्यान से समझना। इट इज नॉट आई सपोज, मेरा अनुमान है, इट इज नॉट आई सपोज मैं मानता हूँ, इन एनी वे स्टैंड्स मीन्स कोई भी अनोखी चीज, दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकग्नाइज, कि जो एवरेज मीन्स औसत लंडनर मीन्स लंदन के निवासी, औसत लंदन के निवासी इसे पहचान नहीं पाते हैं। मीन्स मेरा अनुमान है यह किसी भी प्रकार भी अनोखा नहीं था कि एक औसतन लंदन वाला उद्बिलाव को न पहचाने, रिकग्नाइज एन ऑटर मीन्स एक उद्बिलाव के न पहचाने, मीन्स ये अनुमान करता था कि लंदन के लगभग सभी सभी लोग क्या करते होंगे, इस उद्बिलाव को क्या करते होंगे, पहचानते होंगे। बट लेकिन the variety of guesses, लेकिन जो उनके अनुमान का जो वेराइटी था मीन्स जो विविधताएं थी, एज टू वाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी, कि यह किस प्रकार का जानवर हो सकता है, बी केम अ सरप्राइज टू मी, यह मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मीन्स उन लोग की जो बातें थी कि यह किस प्रकार का जानवर हो सकता था, उनकी बातों ने मुझे क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, सरप्राइज कर दिया। आगे देखते हैं, ऑटर्स बिलोंग, ऑटर बिलोंग करता है टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल, जानवरों के छोटे समूह से वह क्या करता है, बिलोंग करता है, मीन संबंध रखता है। कॉल्ड मस्टेलिंस, जिसे क्या बोलते हैं, मस्टेलिंस बोलते हैं, मीन्स यह जिस समूह से बिलोंग करता है, मीन्स जिससे संबंध रखता है, उसके समूह को नाम को क्या बोलते हैं, मस्टेलिंस बोलते हैं। शेयर्ड बाई दी बेजर, जिसमें क्या होते हैं, बेजर होते हैं, बेजर जानवर का नाम है, बेजर होते हैं, मैंगूज होते हैं, नेवला होते हैं, विजल होते हैं, ये भी जानवर का नाम है, स्टाउट होते हैं, ये भी जानवर का नाम है, मिंक होते हैं, ये भी जानवर का नाम है, एंड अदर्स और अन्य होते हैं। मीन्स इसका जो इसका जाति है, समूह है, उसका नाम है मस्टेलिंस, और मस्टेली में जानवर जो होते हैं, एक तो ये तो हो ही जाएगा ऑटर, और दूसरा हो जाएगा बेजर होते हैं, मंगूज होते हैं, नेवला होते हैं, विजल होते हैं, स्टाउट होते हैं, मिंक होते हैं, और अन्य जानवर इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। I faced, मैंने सामना किया, फेस मिस होता है सामना करना, I faced, मैंने सामना किया, किसका देखते हैं,
अ कंटिन्यूअस बैरेज मीन्स बैरेज ऑफ कॉन्जेक्चुअल क्वेश्चंस, मैंने लगातार अनुमान पर आधारित प्रश्नों का सामना किया। फेस में सामना करना, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, बैरेज ऑफ कंजेक्चुअल क्वेश्चंस इसका अर्थ होता है अनुमान पर आधारित प्रश्न। बैरेज ऑफ कंजेक्चुअल क्वेश्चंस मीन्स होता है अनुमान पर आधारित प्रश्न। हमने अनुमान पर आधारित प्रश्नों का क्या किया, सामना किया। दैट स्प्रेड जो फैले हुए थे ऑल दी मस्टलिंस, सभी मस्टलिंस के बारे में जो फैले हुए थे अनुमान पर आधारित प्रश्नों का हमने सामना किया। बट दी ऑटर, लेकिन ऑटर मीन्स उद मिलाओ, मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन अ बेबी सील, और इसके बारे में जो रैंडम मीन्स होता है बिना ध्यान दिए इसके बारे में जो गेस किया जाता था, अनुमान किया जाता था, इसे क्या कहा जाता था, बेबी सील इसे कहते थे लोग। एंड अ स्क्वायरल मीन्स एक गिलहरी कहते थे, मीन्स जो इसके बारे में ऑटर के बारे में नहीं जानते थे वह इसे बेबी सील कहते थे और क्या कहते थे, गिलहरी कहते थे। इज दैट अ वॉलरस मिस्टर, और कोई तो ऐसे भी कह देता था, इज दैट, क्या यह है अ वॉलरस मीन्स एक दरियाई घोड़ा, मिस्टर मीन्स श्रीमान, कोई तो ऐसे भी कह देता था कि श्रीमान क्या यह कोई दरियाई घोड़ा है। Reduced me to giggles, यह मुझे मजबूर कर देता था, giggles means एक फूहड़ हंसी के लिए, यह मुझे एक फूहड़ सी हंसी के लिए क्या कर देता था, मजबूर कर देता था। Reduced means मजबूर करना, giggles means फूहड़ हंसी, यह मुझे एक फूहड़ हंसी के लिए मजबूर कर देता था। And outside a dog शो, और एक कुत्ते के शो के बाहर, आई हियर, मैंने सुना, अ हिप्पो, मैंने इसका नाम क्या सुना, हिप्पो मीन्स दरियाई घोड़ा सुना। बीवर इसका नाम सुना, ये भी जानवर का नाम है, और इसका नाम बियर कब मीन्स भालू का बच्चा हमने सुना, लेपर्ड मीन्स तेंदुआ सुना, ये सारे नाम हमने सुने कहाँ, एक कुत्ते के सो के बाहर। वन मीन्स एक, अप्रांटली मीन्स स्पष्ट रूप से, दैट हैज चेंज इट्स स्पॉट्स, इसके स्थान को क्या कर दिया, बदल दिया। एंड ए ब्रॉन्सर ब्रोटोसार ब्रोंटोसार, और इसका नाम रखा क्या, ब्रोंटोसार कहा। ब्रोंटोसार मीन्स होता है एक प्रकार का विलुप्त डायनासोर है, ब्रोंटोसार क्या है, एक प्रकार का विलुप्त डायनासोर है, मीन्स जिसने अपना स्थान बदल दिया हो, एक ब्रोटोसोर मीन्स एक विलुप्त डायनासोर हो। मिज वाज एनीथिंग, मिज कुछ भी था, बट एन अटर मीन्स एक, लेकिन जो है अटर नहीं था, उद्बिलाव नहीं था, मीन्स लोगों के अनुसार मिज सब कुछ था, ये जो है स्क्वायरल भी था, बेबी सील भी था, हिप्पो भी था, बीवर भी था, बियर कब भी था, लेपर्ड भी था, कुल सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था, ऑटर नहीं था, मीन्स उद्बिलाव नहीं था, वही दिया हुआ है, मिज वाज एनीथिंग, मिज कुछ भी था बट एन ऑटर, लेकिन यह एक उद्बिलाव नहीं था, यह लोगों के अनुसार था। बात उम्मीद करते हैं आपके दिमाग के बन गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं, बट दी क्वेश्चन, लेकिन प्रश्न ये है, बट दी क्वेश्चन, लेकिन प्रश्न ये है, फॉर विच आई अवार्डेड, जिससे हमने अवार्डेड किया मीन्स सम्मानित किया, दी हाईएस्ट स्कोर मीन्स सबसे उच्चतम नंबर दिया, मीन्स लेकिन यह प्रश्न जो से हमने सबसे उच्चतम दिया नंबर दिया, केम फ्रॉम अ लेबरर, एक मजदूर की तरफ से आया, डिगिंग जो खोद रहा था, अ होल मीन्स एक गड्ढा, इन दी स्ट्रीट मीन्स सड़क पर, जो एक गड्ढा खोद रहा था कहाँ पर, सड़क पर। इसका अर्थ हो जाएगा, परंतु वह प्रश्न जिसके लिए मैंने सबसे ज्यादा अंक दिए, वह प्रश्न किसकी तरफ था, गली में गड्ढा खोदते हुए एक मजदूर की तरफ से आया हुआ प्रश्न था। अब मजदूर ने क्या कह दिया था जिसे इसने सर्वाधिक अंक दिया हुआ था, अब हम लोग आगे देखते हैं। आई वॉज स्टील फार, मैं अभी भी काफी दूर था, फ्रॉम ही मीन्स उससे, मैं उससे अभी काफी दूर था। When he laid down, जब उसने नीचे रख दिया, lay down means नीचे रख दिया, his tool means अपने यंत्र को, means जिससे वह गड्ढवा खोद रहा होगा उसको उसने निकाल कर दिया, निचवा रख दिया। Put his hands, अपना हथवा नीचे रख कर लिया, on his hips means अपनी कमरिया पे, अपनी कमरिया पे उसने क्या कर लिया, हाथ रख लिया, मीन्स उसने अपने यंत्र को पहले नीचे रखा, उसके बाद अपने हाथ को अपने किस पे, हिप पर रखा, मीन्स कमर पे रखा। अब कमर मतलब कुछ लोग समझने लगे होंगे, कमरिया जान मारेला, ठीक है, ऐसा कुछ गाना वाना बना हुआ था भोजपुरिया में,
ठीक है, तो कमरिया कमरिया पे नहीं जाएंगे, यहाँ जो है आदमी वाली कमर है, यहाँ लड़की वाली कमर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ बच्चा लोग बहुत दूर तक सोचने लगते हैं। पुट हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ को रखा ऑन हिज हिप्स, मीन्स अपनी कमर पे रखा, मीन्स वह लेबरर, वह मजदूर अपने कमर पे हाथ रखा, एंड बिगेन टू स्टेयर, और ध्यान से देखने लगा, स्टेयर मीन्स होता है ध्यान से देखना, और वह ध्यान से देखने लगा। एज आई ड्रू नियरर, जैसे मैं नज़दीक पहुंच रहा था, आई सा, मैंने देखा, हिज एक्सप्रेशन मीन्स उसके भावों को देखा, आप सरप्राइज मीन्स आश्चर्य से उसके भावों को देखा, एंड अफ्रॉन्ट, और उसका अपमान को भी देखा, मीन्स वह किस तरह से अपमान महसूस कर रहा था उस चीज़ को भी अपने अंदर देखा। एज दाउ, यद्यपि ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स, कहाँ है, हाँ, एज दाउ, यद्यपि ही वुड हैव मी नो, वह मेरे बारे में जानता था, दैट ही वॉज नॉट वन, कि वह वैसा एक नहीं है, अपॉन होम टू प्ले जोक्स, जिसके साथ वह क्या करे, मजाक करे, मीन्स ऐसा देखने से पता चल रहा था कि मीन्स वह मुझे बताना ऐसा पता चल रहा था देखने से कि वह मुझे बताना चाहता हो कि वह उसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता है, वह ऐसा व्यक्ति है कि उसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता है। आई केम, मैं आया, एवरिस्ट मीन्स बगल में, आफी मीन्स उसके, मैं उसके बगल में आया, जब मैं उसके बगल में आया, ही स्पैट, उसने थूका, स्पैट मीन्स होता है थूकना, उसने थूका, ग्लेयर्ड, क्रोध से देखना, ग्लेयर्ड मीन्स होता है क्रोध से देखना, उसने थूका, क्रोध से देखा, एंड देन ग्रोल्ड आउट, फिर गुर्राया, ग्रोल मीन्स होता है गुर्राना, फिर उसने गुर्राया, हियर मिस्टर, यहाँ पर मिस्टर मीन्स श्रीमान, वाट इज दैट, यह क्या है, सपोज टू बी मीन्स हो सकता है, सपोज टू बी मीन्स हो सकता है, वाट इज मीन्स यह क्या हो सकता है, मीन्स जो जानवर वा लेके साहब टहल रहे हो, ये कौन सा जानवर हो सकता है, एकदम बीआईपी ढंग से उसने पूछा, वही पूछा, वाट इज दैट सपोज टू बी मीन्स, श्रीमान यह क्या हो सकता है, सपोज टू बी मीन्स हो सकना, यह क्या हो सकता है। तो यहीं पर इसी को उन्होंने सबसे अधिक मार्क दिए हुए थे, नंबर दिए हुए थे, जो उन्हें विचित्र लगा हुआ था। बाकी यहीं पर प्यारे बच्चे आपकी कहानी क्या होती है, मिजबिल द ऑटर की कहानी होती है खत्म। तो मिजबिल द ऑटर की कहानी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिजबिल जो है नाम था ऑटर का, मिस उदबिलाव का नाम मिजबिल था, और इसके राइटर का नाम था गेविन मैक्सवेल, जिन्होंने इस कहानी को लिखा हुआ था, और 1956 की ये बात थी। सारी कहानी हमने एक एक करके आपको विस्तार से बता दिए हुए हैं प्यारे बच्चे, हमने इस ढंग से आपको बेहतर ढंग से बताए हुए हैं, आपको कहीं भी उम्मीद करते हैं कोई भी दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अगर आपने मेरी वर्डों पर ध्यान दिया होगा, मेरे शब्दों पर ध्यान से सुना होगा, तो प्यारे बच्चे गारंटी लेते हैं आपको कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी, एक एक वर्ड में नहीं, हमने विस्तार से बताए हुए हैं। तो आज की क्लास प्यारे बच्चे यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर आपसे कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना, प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं कि आपके प्रति जो मेरी ईमानदारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। बस आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और उसके साथ साथ आपको हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपसे उम्मीद करते हैं आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। तो प्यारे बच्चों इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, लेकिन क्लास समाप्त करेंगे कोई बेहतरीन सी लाइन के साथ समाप्त करेंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तो प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, कोई आपका साथ यहाँ नहीं देने वाला है, यहाँ आपको लड़ना भी खुद होता है और संभलना भी खुद होता है। अगर आप संभल नहीं पाए तो आपको कोई संभालने के लिए नहीं आएगा, कोई आपको संभालेगा नहीं, पल पल करके आपको गाइडेंस नहीं देगा, आपको खुद लड़ना है। परिस्थिति, अगर किसी परिस्थिति से आप जूझ रहे हो, आपको इस परिस्थिति से खुद लड़ना है, खुद उस परिस्थिति से बाहर निकलना है। अगर आपको जो है कुछ करना है तो बाहर निकलना है, और संभलना भी है आपको, लड़ करके उस परिस्थिति से संभलना भी है, कैसे हम आगे बढ़े इस चीज़ को भी आपको संभलना है। तो प्यारे बच्चे इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आपने जो है जो हमने बातें कही हुई हैं सारी चीज़ें की होंगे, और पढ़ाई को अपने अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।